बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ राज रसिक की कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम ब्रिज जुत की अति सुंदर प्रश्नोत्तरी की सेवा, जो भी हमारे सामने वो लेकर आएंगे उनका आनंद लेंगे। उनके पहले आइए श्री मुखवाणी गायन का आनंद लेते हैं तृप्ता जी और राकेश जी के हृदय से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ गई, आ गई, आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी, सब सुंदर साथियों को बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम्हारी मेरी मैथिली जैसे सत असत, करनी तुम्हारी मेरी मैथिली जैसे सत असत, हो धनी मेरे एती है तफावत, करनी तुम्हारी मेरी मैथुनी जैसे सत असत, पिया ऐसी निपटने क्यों बड़ी कठिन कठोर श्री दाम दनी पहचान के फिर फेर देत मैं पीत, श्री दाम दनी पहचान के फिर फेर देत मैं पीत, करनी तुम्हारी मेरी मैथुनी जैसे सत असत, आँखां क्यों उठाऊंगी मुझे मारेगी वो शरण, आँखां क्यों उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़ी शरण, ऐसी कबू किन ना करी जो मैं किए चंडाल करम, ऐसी कबू किन करी सो मैं किए चंडाल करम, परवी तुम्हारी मेरी मैथुनी जैसे सत असत, रोम रोम कई को त्याग दूँ ऐसी मैं गुनहगार, रोम रोम कई को अवगुण ऐसी मैं गुनहगार, एक कमी मैं गिनती पर गुने को नहीं सुमार, ए तो कही मैं गिनती पर गुने को नहीं सुमार,
करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे सत्यासत भाई जी के गुण मैं क्या कहूँ इन अवगुण पड़े ते गुण दानी जी के गुण क्या कहूँ इन अवगुण पड़े ते गुण श्रीमान कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हिन करनी तुम्हारी मेरी मैं तोरी जैसे सत सत ओ धनी मेरे देती है तफावत ओ धनी मेरे देती है तफावत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम प्रणाम जी। इतना सुंदर ये युगल जोड़ी, इतना प्यारा आप गा रहे थे, सारे सुंदर साथ खो गए थे। और मुझे याद आ गया, अमृतसर जब कव्वाली में भाग लिया करता था और करता है, तो हमारे राकेश जी को स्पेशली बोला जाता है कि ऊंचा स्वर आए ना तो आपने उठाना है, कि दसम स्वर तक इनका साथ ही होते हैं सुंदर साथ जी, वहां तक ये स्वर लेकर जाते हैं अपना धनी की कव्वाली पीछे गाने के लिए। आप दोनों के चरणों में अति सुंदर। मैं तो चाहूंगी कि ऐसी युगल जोड़ियां और भी हों सुंदर साथ जी, घर में कोई गाने वाला है और सुंदर साथ साथ में दे तो इस जुगल जोड़ी से प्रेरणा लेंगे, तो हम और जुगल जोड़ियां ऐसी तैयार हों जो मिलकर भाव रखें, मिलकर गाएं। अति सुंदर अति प्यारा, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धनी की लाडली तृप्ता जी हमेशा सरकारश्री की भोजन की सेवा से लेकर आज मंदिर में 50 हो 100 हो या 150 हो, यहाँ पर कीर्तन होने वाला था तो सुंदर साथ जी पूछवाते हैं, उनसे पूछ के बताइएगा, इतने सुंदर साथ आने वाले हैं तो कितना सामान खरीद लिया जाए। तो आपके चरणों में इस प्यारी सेवा के लिए कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज यदि मंदिर में देखे ना, हम अपने मंदिर में बहुत डिफिकल्ट होती है भोजन बनाने की सेवा, तवे के सामने बैठना पड़ता है गर्मी में। जो जो सुंदर साथ कर रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, कभी प्यार से उनको भी भोजन की सेवा कर दीजिएगा, धनी बहुत खुश होंगे। जो बना के आए हो ना, उनके सामने एक बार स्वयं सेवक बन के जरूर परोसिएगा। जो जो आपके मंदिर में आश्रम में ये सेवा करते हो ना, जरूर उनको ये सेवा अर्पित कीजिएगा, प्रणाम जी। और हमारे पास आज अ सरप्राइज, यानी के शीतल जी के प्यारे बेटे हित भी हमारे पास हैं, तो आइए हित से अति सुंदर उनकी मीठी आवाज में बहुत प्यारा स्वरूप बोलने वाले हैं वो राज जी का, मुझे लगता है। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी हित, आप शुरू कर सकते हैं बेटा। आ गई मम्मा, आ गई, बोलिए। आपकी आवाज नहीं, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा वीडियो, कौन से उनके वस्त्रों को गांगजी भाई ने जो उनको उपहार दिए थे देवचंद्र जी को, धनी श्री देवचंद्र जी को, वो दिखा रही है हमारी भारती बेन तनेजा अंकल की बहुत सुंदर सेवा। आइए सुंदर साथ जी। महाराज को सम्मानित किया तभी की है, पहले तो बताते थे सुंदर साहब को, मगर अभी नहीं बताते जी।
जिसमें टोपी थी, टोपी भी पहनाई थी, जो गांव जी भाई को सद्गुरु महाराज को वो टोपी धन्य धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए, दर्शन हो गए आपके भी और सद्गुरु महाराज के भी। बोलो सद्गुरु महाराज की सम्मानित तभी की है जी, जिसमें टोपी थी, टोपी भी पहनाई थी, टोपी थोड़ी जर्जर थी, जो गांगजी भाई को पहनाई, गांगजी भाई ने सद्गुरु महाराज को पहनाई वो टोपी। वाह जी वाह, धन्य उसी समय की, धन्य हो गए, धन्य संभाल के रखी, धन्य हो गए, धन्य हो गए, दर्शन हो गए आपके भी और सद्गुरु महाराज के भी। बोलो सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानंद स्वामी यहाँ रहते थे, तो रोज परमधाम का ध्यान यहाँ बैठता, तो उनको साक्षात परमधाम का दर्शन होता, तो उनको दर्शन होता था, वो सब बात देव चंद्र जी महाराज सुंदर साथ को बताते थे, तो उनके दर्शन उनके ध्यान के मुताबिक दर्शन के मुताबिक इस मंदिर में दो फोटो जो सुवर्ण की साई से बना हुआ उसी समय का आपको मैं बताती हूँ, वो भी नहीं बताती हूँ अभी, थोड़ा वर्णन भी मेला में का बहुत सुंदर। ये राजी महाराज, श्यामाजी महाराज, ये इंद्रावती सखी और ये सुंदर भाई सखी, ये अमलावती है और ये लालदास स्वामी आसबाई सर, इसी तरह चार सखियाँ राज्य के देखियो, फिर वो देख लो, ये राजी महाराज, श्यामाजी महाराज, ये इंद्रावती सखी और ये सुंदर भाई सखी, ये अमलावती है और ये लालदास स्वामी आसबाई सर, इसी तरह चार सखियाँ राज्य के सम्मुख भी ऐसा हमको दिखाई देता है। बहुत सुंदर, एक भयो राजी महाराज, पांचों पांच स्वरूप में एक ही है, बीच में राजी महाराज है, यहाँ श्यामाजी महाराज है और ये सद्गुरु महाराज, ये व्रज का स्वरूप है, रास का स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम प्रणाम। सुंदर साहब जी, अभी आपने सदगुरु देवचंद जी की पिछौरी 32 साल पहले वो से सुंदर साथ आए थे, तो वो यहाँ से ऊपर गए, पहले अभी खेल की गई, अभी खुली थी, अभी बंद थी, तो छोटा बच्चा आया था 7 साल, वो देखता था देखता देखता सीधा नीचे गिर गया, माता पिता को मालूम हुआ, वो परिक्रमा करते थे गोली की, तो माता पिता को मालूम हुआ हमारे बच्चे गिर गए, इसलिए दौड़ कर पहले आए और बच्चे को उठा कर लेकर रख दिए, मन्नत माने के लिए राजी महाराज इस बच्चे को कुछ ना हो तो चांदी के दरवाजे में सुनाना से पड़ जाएंगे, ऐसा ही हो बच्चे को कुछ नहीं हो, यहाँ रखा और राम नाम की तो बच्चा खड़ा हो गया, साधारण सी चोट लगी, उन्होंने अपनी मन्नत की कि उसी से उसने उनका लखाण दिया वो गुजराती नहीं है। अच्छा, किन्होंने लगवाया था, क्या नाम क्या था उनका, सुंदर साथ का? अच्छा, ये सुंदर साथ जी, अभी आपने बहन से सुना कि सुंदर साथ जी आए और उनका एक पुत्र सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए गिरा, मन्नत मानी उन्होंने कि सतगुरु देव देवचंद जी महाराज इस बच्चे को बचा लो, और उन्होंने उनकी रक्षा की, मन्नत मांगी, तो ये दरवाजा जो है वो चांदी का दरवाजा और ये सोने का कड़ा, और उन्हीं का नाम ये ऊपर लिखित है, आप सब भी दर्शन करें, ये बहुत ही प्राचीन ज्ञान हमें मिल रहा है यहाँ आने पर राजी की मेहर से, आप सबको मेरा प्रणाम। सुनिशा जी, ये सतगुरु देवचंद जी के हीर भाई यहाँ पर रसोई बनाया करती थी, अब तो ये सब बदलाव हो गया, आधुनिक हो गया, लेकिन स्थान ये वही है,
और यहीं पर बैठकर श्री कृष्ण उनके दर्शन देने के लिए आया करते थे और भोजन प्रसाद भी यहीं लिया करते थे। जैसा हमने सुना, जब भी आह्वान करते थे तो सब श्री कृष्ण भोजन प्रसाद करने के लिए, राज्य प्रसाद लेने के लिए आया करते थे। तो ये वो रसोई है जहाँ हीर भाई सेवा किया करती थी। तो आप भी रसोई में आकर आपने भी सेवा की यहाँ पर, ऐसी मान्यता लेकर घरों में जब भी सेवा करें तो अपने आप को हीर भाई समझ कर सेवा करें। प्रणाम। प्रणाम जी। तो निजा अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। तो देखा राज जी हमें किनके दर्शन करवाना चाहते थे, हमने उनकी वस्त्रों के भी दर्शन किए, कितने प्यारे प्यारे दर्शन करवाए सुंदर साथ जी ने। हीर बाई कौन थी सुंदर साथ जी जो वहां रसोई की सेवा किया करती थी, सोचिएगा, दिल में सोचिएगा। अभी प्रश्नोत्तरी होगी, उसमें जरूर ऐसा प्रश्न भी आ जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, हित का एक बार चेक करते हैं। प्रणाम जी, हित बेटा प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर बहुत मधुर आवाज आ रही है, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, रुदे के नैना होलन जमाल, रुदे के नैना होलन जमाल, फेर फेर महबूब आवत हीर दे, फेर फेर महबूब आवत हीर दे, किया किने तेरा उल्फिलिये हाल, किया किने तेरा उल्फिलिये हाल, स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, जामा जड़ाव चुड़िया अंग जुगते, जामा जड़ाव चुड़िया अंग जुगते, चारो हारो करी अंबर जलकार, चारो हारो करी अंबर जलकार, जगमगे पागे जोत जवे जो, जगमगे पागे जोत जवेर जो, मीठे मुख ने नो पर जाहु बलिहार, मीठे मुख ने नो पर जाहु बलिहार, स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, लाल अधूर हसत मुख हर वटी, लाल अधूर हसत मुख हर वटी, नासिका तिलक निलवट पोहे के, नासिका तिलक निलवट पोहे के, चरण भूख न मुख दंत मीठी रसना, चरण भूख न मुख दंत मीठी रसना, ये देखे दर्शन आवे जोशियावेश, ये देखे दर्शन आवे जोशियावेश, स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, स्वरूप सुंदर संकुश कोमल, बाहे चूड़ी बाजू बंद सोहे फूमक, बाहे चूड़ी बाजू बंद सोहे फूमक, पहुंची कांडो कड़ी हस्त कमल मोद्री, पहुंची कांडो कड़ी हस्त कमल मोद्री, नक्का नूर चीर चढ़िया आसमान में, नक्का नूर चीर चढ़िया आसमान में,
जहग चलवन करे सब अंगूरी, जहग चलवन करे सब अंगूरी। स्वरूप सुंदर संकुल कोमल, स्वरूप सुंदर संकुल कोमल। रोशनी पटुके करी अवकाश में, रोशनी पटुके करी अवकाश में। चरण भूख न जामे इजार जाई, चरण भूख न जामे इजार जाई। कहे श्री महामती बोमनरो दिल को, कहे श्री महामती बोमनरो दिल को। म सुखे चे दोहे अरस के माही, म सुखे चे दोहे अरस के आही। स्वरूप सुंदर संकुल कोमल, स्वरूप सुंदर संकुल कोमल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बेटा इतना प्यारा हित आपका नाम और हितकारी, इतना प्यारा इतना सुंदर आपके हृदय से ये जो शुद्ध भाव होते हैं ना बेटा, बहुत 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 सुंदर, इतना प्यारा स्वरूप। जैसे स्वामी जी चितवन की में कहते हैं ना, इतनी सुंदरता तो आज तक मैंने नहीं देखी थी। तो इतना प्यारा स्वरूप तो आज तक मैंने नहीं सुना था इन कानों से जितना आज आपने प्यारा गाया। आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटान को प्रणाम जी। बेटा प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और शीतल जी आपको और भाई को बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर परवरिश करने के लिए हमारे प्यारे से छोटे से हित सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी हित ने हमें एक मैसेज भी दिया है कि हम बोल भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्वर मिला के बोल सकते, पूरा गायन करना जरूरी नहीं होता। धनी के गुण ही तो गाने हैं सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ हित को देखकर प्रेरणा लीजिए और आगे आइए कि मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगी। अति सुंदर। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हमारी प्यारी आयुषी एक बड़ी प्यारी सेवा की है, प्रथम सेवा की बधाई। आयुषी की झोली में राजी ने ये सेवा डाली और उन्होंने इतनी सुंदर कर दी, प्रथम सेवा की बधाई। और राजी आपसे बहुत सेवा आगे लेने वाले हैं, बहुत सुंदर। मैंने आपको कोहोस दे दिया, आप शेयर कर सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक मिनट दीदी, अभी शेयर करती हूँ। हमारी प्यारी गोपी लग रही हैं आज तो, आप बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जब तक वो शेयर कर रही हैं ना सुंदर साथ जी, आप शेयर कीजिए, मैं तब चुप हो जाऊंगी। सुंदर साथ जी ये ऐसी प्यारी हमारी, हमारी प्यारी सुंदर साथ है, कहती मैं उठती नहीं थी, आज उठ के देखिए सज समर के अपनी सेवा के साथ रेडी होकर बैठी हैं। कितना समय उनको उठे हुए अब तक हो गया होगा, ऐसे दृढ़ निश्चय ऐसे प्रण को। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आइए सेवा का आनंद लेते हैं। पहले मैं देवचंद्र जी का जीवन परिचय जो है उसको शेयर कर रही हूँ दीदी। हाँ जी, आप ही बताइएगा भी आयुषी जो जो आपने किया। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी हो रही है, अगर थोड़ा सा जूम हो सकता है तो अच्छी बात है। हाँ जी मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर आप फोन को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे ना तो और रोटेशन से। हाँ जी अभी दिख रही है। प्रणाम जी, मेरी तरफ एक्चुअली रोटेट होके दिख नहीं रही है। हाँ जी नहीं अभी दिख रहा है जूम करके, नो वरीज, इट्स ऑल गुड। ओके, वाह हो गया। मुझसे कहा था देवचंद्र जी का मतलब बायोडाटा बनाने के लिए, तो थोड़ा मैंने कोशिश करी है पापा जी के साथ बैठ के।
जिसे उसमें बताया गया था, साल 990 मास नौ हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसर गाजियो सैया उतरे तब, जब मोहम्मद साहब जी को गए 990 साल 9 महीने बीत गए, उसके बाद अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेकर राजी इस दुनिया में श्यामा जी इस दुनिया में आई थी। उसके बाद मैंने सारी चीजें दी हैं, जैसे नाम है देवचंद्र जी, उनके पिताजी का नाम मत्तू मेहता जी, माता का नाम श्रीमती कुमार बाई। मैंने पत्नी का नाम और बच्चों का नाम इसमें नहीं दिया है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ उनका वो बायोडाटा दिया है जिसमें उन्होंने जागनी की थी। जन्म स्थान उनका उमरकोट, उनका जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1638 में हुआ था, अश्विन महा शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन, कायस्थ कुल के थे वो। और नेक्स्ट जैसे इसमें लिखा है, जब भया बरस अग्यार माँ तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ ते आई हो कहाँ मेरो भरतार। सुंदर साथ जी, एक ऐसी उम्र जब हम अपने लिए जरा सा भी कुछ नहीं सोच पाते, उस टाइम पे देवचंद्र जी के माइंड में ये आया कि जब वो 11 साल की उम्र में थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरे भरतार हैं, तो उन्होंने वहीं से अपनी सेवा शुरू कर दी थी। 16 वर्ष की उम्र में जब वो कच्छ गए, तो कच्छ में वो कहाँ कहाँ गए वो सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हैं। उन्होंने मंदिरों में मूर्ति पूजा की, दत्तात्रेय मत के सन्यासियों के बीच वो रहे, नाथ पंथ के कनफटे योगियों के बीच गए, कापड़ी वैरागियों में, मुल्ला जी के पास, अन्य सांप्रदायिक विद्वानों और ब्राह्मणों में भी वो गए। थोड़ा सा जूम आउट करूंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन बार बार हिलानी पड़ रही है अदरवाइज। नेक्स्ट मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसमें, जैसे 4 वर्ष परमात्मा की खोज करते करते 20 वर्ष की उम्र में हरिदास जी के मंदिर में भोजनगर गए, वहां पर 4 वर्ष सेवा करने के पश्चात 24 वर्ष की उम्र में वे पहुंचे। विक्रम संवत 1664 के बाद से भागवत कथा 26 वर्ष की अवस्था में सुनना प्रारंभ किया, क्योंकि वो पहुंच तो 24 वर्ष की में गए थे, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ था वो 26 इयर्स की में लिखा हुआ था, तो वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैंने इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। किंतु सुंदर सागर प्रश्न 24 में कहा गया है कि वो 26 वर्ष की उम्र में नौतनपुरी आए, वहां पर 14 वर्ष तक निष्ठावंत कांजी भट्ट से भागवत ज्ञान सुना। विक्रम संवत 1678 में श्री देवचंद्र जी को राज जी के आवेश स्वरूप में दर्शन हुए, दिन रविवार था, कृष्ण पक्ष अश्विन माह, तिथि 14। सुंदर साथ जी, इसमें जो माह है अश्विन माह है, तिथि 14 है, दिन रविवार है, बस पक्ष चेंज हो जाता है, कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी कहा गवाही दई मन। संवत 1712 के भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन बुधवार, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का 73 वर्ष 11 माह में धाम गमन हो गया। बरस 76 में न्यून भया एक मास, तब सोच चले श्री महराज को उमत खासल खास। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी नेक्स्ट भी शेयर कर दूं? हाँ जी, नेक्स्ट ना कल हमारे पास बहुत समय है, नेक्स्ट कल करेंगे। बहुत सुंदर सेवा आयुषी, बहुत बहुत बधाई। मुकेश भैया आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि जाके धनिये पकड़े हाथ, तो मुकेश भाई और आयुषी जी की सम्मिलित ये जो सेवा रही, अति 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 सुंदर। आगे बहुत धनी ने आपसे सेवा लेनी है, ये जीवन सफल करना है, बहुत सुंदर। आपने इतनी कम उम्र में ये कर दिखाया, और मुकेश भैया आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। धनी आपसे ये जो 2 साल से उनको प्रबोधित करने की धीरे धीरे सेवा ले रहे थे ना, वो रंग ले आई है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर। हाँ जी,
प्रणाम जी। और आइए सुंदर साथ जी, अब हैंड रेज करने के लिए, कल हमारे पास आधे घंटे की प्रेजेंटेशन है, फिर बहुत कुछ है, इतना वीडियोस, ये आयुषी की और सेवा देखिएगा, कल कितना कुछ हमें मिलता है, इतने खजाने आए जा रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं आपको बता नहीं सकती। अब शुरू करते हैं हमारे प्रवीण भाई से, ब्रज टीम की जो अति सुंदर वो तैयारी ब्रज की गोपियां आज करके आई, गोपियों का प्रेम सिखाती हुई हमारी जाग की ये सखियां, अति सुंदर तैयारी। आइए चलते हैं प्रवीण भाई की तरफ और शेयर करेंगे उनके ही जोड़ीदार यानी के, हाँ जी बिल्कुल सही, कमलेश भाई, प्रणाम जी। और आयुषी जी की ये सेवा ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, आयुषी आप ही डाल दीजिएगा उनमें, है ना, मुकेश भाई या आप जरूर ग्रुप, ये शेयर करने के लिए तो है सारी सेवाएं, सारे वीडियोस भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, सब कुछ। कमलेश भाई आप कर सकते हैं, शेयर कीजिए और प्रवीण भाई अपने प्रश्न पूछेंगे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज तो सुबह से ही फर्स्ट राज्य के जो दामदरणी देवचंद्र जी है उसके पूरे दर्शन हो गए, कपड़े वस्त्र टोपी पूरा महिमा तने जाने ने दिखा दिया, बहुत ही भाग्यशाली रहे। बाद में वो छोटे बच्चे ने हित ने बहुत बहुत अच्छा स्वरूप गायन गायन दिखाया, बड़ा बोला, बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारी प्रश्नावली मीन्स क्वेश्चन तो एक ही है, प्रश्न तो एक ही है कि राजी कब आप हमको दर्शन दो और कब हम आपके चरणों में आए, बस वही क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन बस अपने सब बनाए हैं अंदर, मेन क्वेश्चन तो वही और वही क्वेश्चन को लेके आगे चलना है। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। तो कमलेश भाई मेरा वो सहयोगी निभा रहे है मेरे क्वेश्चन जो लिखे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ ही आ जाता है, जोश और जिब्रील में क्या अंतर है? हाँ जी सुंदर साहब जी, हैंड रेस करेंगे क्विकली। अरे वाह, जोश और जिब्रील में भी अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है अगर होता है तो? मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साहब जी, सभी सुंदर साहब के चरणों में प्रणाम जी। जोश और जिब्रील में कोई अंतर नहीं है, जोश जिब्रील को ही बोलते हैं, एक ही है तो। हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड मधु दीदी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑल करेक्ट और इतने सारे हाथ। और मैं आपको मोटिव बताती हूँ सुंदर साहब जी, ये पूरी प्रेजेंटेशन उनके जोड़ीदार ने तैयार की, प्रश्न उन्होंने बनाए, अब मोटिव बताती हूँ, मैक्सिमम हैंड रेज होना इन प्रश्नों का मोटिव है आज सुंदर साहब जी। कहते हैं इतने सरलतम होने चाहिए कि कोई सुंदर साथ ना रह जाए जिसका हाथ खड़ा ना हो आज। वेरी गुड मधु दीदी प्रणाम जी, अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर, प्रणाम जी। हाँ जी आप प्रवीण भाई आप म्यूट नहीं कीजिए आज, कोई बात नहीं, आज हम मोरों को भी उत्तर देते हुए सुनेंगे और आपके प्रश्नों को लीक करते हुए भी उनको सुनेंगे, प्रणाम जी। ठीक है, क्योंकि मेरे को आवाज आ रहा था ना इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ जी मैं आपको भी की रचना किसने, अगर आप म्यूट करें तो आप अनम्यूट कर पाएंगे भाई। हाँ जी आप ओके। हाँ जी भैया, मृतक की रचना किसने करवाई है? की है नहीं सुंदर साहब जी, करवाई पे ध्यान दीजिएगा। हाँ जी ओपो नाम से सुंदर जी, प्रणाम जी। श्री मृतक साहब की रचना राज जी ने स्वयं लाल दास जी के तन में बैठ के करवाई। परफेक्ट, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही, लाल दास जी के अंदर छुपे हुए राजी थे और यहाँ पर हमारे छुपे हुए कुसुम आंटी ने बहुत सुंदर उत्तर, अति आप मुझे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज लगा ये कुसुम आंटी की आवाज के, बहुत सुंदर नाम की। कुसुम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तीसरा क्वेश्चन है, जागनी लीला और व्रज लीला कब शुरू हुई? अरे वाह,
जागनी लीला ब्रज लीला क्या एक ही समय पर शुरू हुए थे या अलग अलग पे हुए थे, तो आइए जानते हैं। प्रणाम जी, किरण दीदी, प्रणाम। हाँ जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज लीला तो तब शुरू हुई जब कृष्ण जी के तन से लीला शुरू हुई, और लेकिन ये हुई तो काल माया में। और जागनी लीला तब शुरू हुई जब श्री धनदेव चंद जी के साथ हम सब लोग आए। ब्रज लीला में भी हम आए थे और धनदेव चंद जी के साथ जागनी लीला शुरू हुई, और ये भी काल माया में हुई। काफी काफी तो सही है, मगर थोड़ी और थोड़ा डिटेल में कोई पूछ सक बता सकते हैं तो। हाँ जी सुषमा। नाम जी दीदी, मेरा भी आंसर तो यही है कि कृष्ण जी के तन से लीला हुई, कृष्ण जी के जन्म के बाद ब्रज लीला शुरू हुई, और देवचंद जी के जन्म के बाद जागनी लीला, काल माया में ही दोनों लीला। आवाज आ रही है मेरी दीदी? हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी आप ही बता दीजिए भैया। हाँ खोलिए पर क्वेश्चन, खोलिए खोलिए। अच्छा जागनी लीला, जागनी लीला जब देवचंद्र जी का जन्म हुआ तब से, यानी 1638 से शुरू हुई, तब हम सखी अक्षरातीत के साथ इस ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, और श्री देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी के साथ कुल 5 शक्तियां प्रवेश करती है। व्रज लीला जब कृष्ण जी ने जन्म के बाद जब नंद बाबा के घर में प्रवेश होता है तब धनी जी के आवेश आने के साथ ही व्रज लीला प्रारंभ होती है। अरे वाह क्या बात है, पर्टिकुलर दैट मोमेंट चाहिए था, यानी 1638 और जब नंदघर की ओर प्रवेश, जब उनके आवेश ने प्रवेश किया ना, तब की बात हो रही। बहुत yes, yes. बहुत सुंदर। प्रणाम जी, ये चौथा प्रश्न था, देवचंद्र जी के लौकिक परिवार के नाम बताइए। अभी तो आयुष दीदी ने सब वो पूरा बता दिया उसमें, मगर तो भी अभी लिखा हुआ है इसलिए सुंदर साहब बता सकते हैं। आपके मोर ने सब लीक कर दिया आयुषी जी ने पहले। यस। हाँ जी शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। श्री देवचंद जी का परिवार का नाम, पिता मधु मेहता, माता कोमल राय, पत्नी लील राय, बेटा बिहारी जी, बेटी यमुना जी, साथ में तो सुंदर साहब भी रहते थे, थारा और अरे वाह, वो भी बता दीजिए, ये पूरे आपने बता दिए। एक पौत्र का नाम भी आया था, बिहारी जी की पत्नी को भूल गया, लीलबाई नहीं, बिहारी जी की पत्नी, वो तो मम्मी है, बिहारी जी की माता किस्ना, है तो किस्ना, किस्ना जी, किस्ना। बिल्कुल सही, कृष्णा जी, अति सुंदर। मंजुला दीदी आप साथ में बताइए, यदि आपको याद हो बिहारी जी के दत्तक पुत्र और उनकी पत्नी का नाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, नागजी बाई दत्तक पुत्र या पुत्र, नागजी बाई की पत्नी का नाम रंगबाई, और उनकी पुत्री की पुत्री पुत्र का क्या नाम, पुत्री किस पुत्री का नाम जमुनाबाई। हाँ जी, और उनकी बेटी जमुनाबाई निम्ना बेटा का नाम छबीलदास, छबीलदास, छबीलदास जी, अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम। अरे वाह कैसे बस गए हैं सुंदर साथ जी के हृदय में, ये पढ़ के बता रहे हैं। हाँ जी, यानी आप पढ़ के नहीं बता रहे, प्रवीण भाई अभी पढ़ के बता रहे हैं, मैं बोल रही थी बहुत ही सुंदर। अरे वाह, हाँ जी बिल्कुल सारे बता दिए सुंदर साथ जी आपने। यस सही बताया सबने। प्रश्न नंबर 5 है, 7 दिन की लीला के सामने सही क्रम जोड़ा बताइए। सुंदर साहब जी प्रेजेंटेशन बनवानी हो ना तो फिर कमलेश भाई मिल गए हैं, आगे की टीम्स ने जो भी बनवाना हो कॉल कॉल कीजिए उनको। हाँ जी, अरे वाह गीता दीदी, प्रणाम जी। एक एक बताइए, एक एक।
प्रणाम जी। प्रथम पहली लीला श्री मतलब देवचंद्र जी से प्राणनाथ जी और मोहम्मद साहब की, फिर नहीं गीता दीदी प्रथम दिन जिसको कहा जाता है ना, सात दिन में से प्रथम दिन की लीला। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली लीला श्री देवचंद्र जी की 74 वर्ष। नहीं नहीं वो तो 120 है ना, जागनी जागनी के 120 वर्ष है वो तो। ये पहले दिन हम कहाँ खेल देखने आए थे, ब्रज रास और जागनी। हाँ, बस बस एक बताना है, ब्रज के कितने दिन इस चार्ट में से देखिए, ब्रज के कितने दिन थे, ब्रज के 11 वर्ष 52 दिन। बिल्कुल सही, 11 वर्ष 52 दिन। प्रणाम जी प्रणाम जी। अब अगला कौन बता रहे हैं, हमारे विदुर भैया। प्रणाम जी, दूसरा दिन विदुर भैया। प्रणाम जी, दूसरा दिन महारास 7वां नंबर। अरे वाह बिल्कुल परफेक्ट, अति सुंदर अति सुंदर। तीसरा दिन, तीसरा दिन चित्रा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का। हाँ जी बिल्कुल सही, 5 नंबर, अति सुंदर। भावना दीदी प्रणाम जी, चौथा दिन। प्रणाम जी, चौथा दिन श्री सतगुरु श्री देवचंद्र जी का। तो इन, हाँ बिल्कुल सही, 3 नंबर। प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। रानी दीदी प्रणाम जी, पांचवा दिन श्री प्राणनाथ जी। अरे वाह, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, श्री प्राणनाथ दोपहर का सूरज। अति सुंदर, ऑप्शन नंबर 1, बहुत ही सुंदर, वो है भी नंबर 1। प्रणाम जी प्रणाम जी। विजय आंटी प्रणाम जी। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी, आपका अनम्यूट हो गया है। मोमिनों का आएगा प्रणाम। हाँ जी बिल्कुल सही, कितना सुंदर लिखा है, मोमिनों यानी हमारा दिन। हाँ जी बिल्कुल सही विजय आंटी, अति सुंदर अति सुंदर। 7वां दिन सुंदर साथ जी, 7वां दिन कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं, आयुषी से ही पूछते हैं। प्रणाम जी, सातवां दिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद होगा कायमी की लीला। अरे वाह बहुत ही सुंदर, आपस में विचार विमर्श करते हुए अति प्यारे सुंदर साथ, और कायमी की लीला अति सुंदर, बहुत प्यारा। और एक्चुअली मुझे ठीक से क्लियर नहीं था तो मैं पापा जी से डिस्कशन कर रही थी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे डिस्कशन कर कर के ही देखिए कहाँ सेवा में बढ़ गए और कहाँ ज्ञान में। कल बड़ा अच्छा मैंने पढ़ा, आप मेरे ज्ञान के भी प्रियतम हो, आप मेरे इश्क के भी प्रियतम हो, इतना सुंदर लिखा हुआ था। चाहे ज्ञान से कहो चाहे इश्क से कहो, प्रियतम तो मेरे आप ही हो, बहुत ही सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी, और बधाई हो प्रवीण भाई, बहुत बहुत बधाई। छठा क्वेश्चन है, मैं अभी उसकी बधाई नहीं दे रही, आपके प्रश्न खत्म होने की नहीं दे रही, मैं ये बधाई दे रही हूँ कि सारे सुंदर साथ के हैंड इसमें रेज्ड हुए, तकरीबन 100 हाथ खड़े थे इसमें, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। फुलबाई और तेज कुहरी में किसकी आत्म थी, सही उत्तर बताइए। अरे वाह सुंदर साथ जी, हर तरह के प्रश्न लेकर आए हैं। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, फूलबाई और तेज कुहरी बाई में अमलावती जी की आत्म थी। बहुत ही सुंदर अति सुंदर, सही अमलावती जी की आत्म दोनों में। और देखिए कंफ्यूज कैसे किया हुआ है, कमलावती या अमलावती या चंपावती, बहुत ही सुंदर। पर हमारे सुंदर साथ अब कंफ्यूज नहीं होते बिल्कुल भी, अति सुंदर सेवा, आप दोनों की जोड़ी को कोटि कोटि प्रणाम। और कमलेश भाई को भी धन्यवाद कि उसने मेरा वो प्रेजेंटेशन बनाया। अरे वाह यही यही प्रेम तो हमें सबसे करना है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी अब हम चलते हैं
सुंदर साथ जी अगले सुंदर साथ जी की तरफ, और अनीता दीदी ने मुझे पहले ही वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली, हमेशा जैसे वो करते हैं, मुझे सीरियल ऑर्डर का पहले से भेज दिया है। तो आइए अब चलते हैं हमारी बबीता दीदी की तरफ। और एज ऑलवेज सुंदर साथ जी, हमने अपने हाथ जरूर खड़े करने हैं, ये सेवा से तो पीछे ना रह जाएं हम। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। और कोई गलती हो तो मेरे को अक्षरा तीर्थ की अंगना मानकर माफ कर देना। सुंदर साथ जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, हरिदास जी को श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान किसने करवाई और क्या करवाई उन्होंने? मुझे इस टीम की सबसे प्यारी बात ये लगी कि इन्होंने इजी क्वेश्चंस बनाए हैं, सारे सुंदर साथ पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और सुंदर साथ जी अब तक जितना हुआ है उसमें से बनवाए हैं। बहुत बहुत बधाई, अति सुंदर। हाँ जी, संजना जी, देखिए नए नए सुंदर साथ की आवाज सुनने को मिल रही है आज। प्रणाम जी। संजना प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, बाल मुकुंद जी की जो अंतर्ध्यान हुई थी ना, उस स्वरूप ने दर्शन दिया और उन्होंने बताया कि मैं उनकी सेवा नहीं सहन कर सकता, तब उनकी देवचंद्र जी की पहचान हुई। हाँ जी, उनके अंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही। और बबीता दीदी एक बात और, सर साथ जी यदि उत्तर देना हो तो जरूर कैमरा खोलिएगा, यूट्यूब में भी इंतजार कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि कौन से प्यारे सुंदर साथ उत्तर दे रहे। एक तो ये पर्दा, उस पर और पर्दा, और उस पर पर्दे पर भी पर्दा, ये हमसे सहन ना होगा सुंदर साहब जी, आज जरूर हटाएंगे। बात वैसे चर्चा हो रही होती है तो कोई बात नहीं, सुंदर साथ का बल बढ़ेगा। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बबीता दीदी आप दोहरा दीजिए। हाँ जी, हरिदास जी के स्वरूप की पहचान बाल मुकुंद जी ने करवाई और कहा कि इनके अंदर रास बिहारी जी की अलादनी शक्ति विराजमान है। दूसरा क्वेश्चन है सुंदर साथ जी मेरा, कौन से ग्रंथ में श्री निज नाम श्री कृष्ण जी नादि अक्षरातीत की जगह श्री निज नाम श्री साहिब जी नादि अक्षरातीत लिखा और क्यों लिखा? हाँ जी, आज पता नहीं कैसे मैंने आपके प्रश्न, मैंने पढ़े भी नहीं, मेरे पास थे भी नहीं, पर आज सुबह की मीटिंग में मैं सोच रही थी कि हम तारतम पढ़ेंगे और निजनाम श्री कृष्ण जी से शुरू करेंगे और फिर दो बार पढ़ेंगे, फिर निजनाम श्री जी साहिब जी भी पढ़ेंगे, पर आपने ऐसे ही पूछ लिया। तो सुंदर साथ जी, निजनाम श्री कृष्ण जी भी जरूर बताइएगा कितनी किताबों में लिखा गया और फिर साहिब जी क्यों करना पड़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये हम नन अदर देन हम सुनेंगे दुष्यंत भैया के मुखारविंद से। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। जहां से कते पक्ष प्रारंभ होता है अपनी वाणी में, वहां से श्री जी साहेब करना पड़ा, क्योंकि जो मुस्लिम है वो श्री कृष्ण जी के नाम से तो ईमान लाएंगे नहीं, और श्री जी साहेब भी वही है और श्री कृष्ण जी के स्वरूप में स्थित होकर राज जी ने जो लीला की, मेरे ख्याल से शायद सनंद ग्रंथ से श्री जी साहेब निज नाम प्रारंभ हो गया था। बात एक ही है, लेकिन कते पक्ष वालों को, मुस्लिम पक्ष वालों को समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा। बाकी ग्रंथों में जो बाद के ग्रंथ हैं, जैसे सनंद खिलवत खुलासा और कयामतनामा सागर सिंगार, उधर जब से कते पक्ष की जागनी मेड़ता से प्रारंभ हुई और उससे जो बाद में वाणी अवतरित हुई वहां पे श्री जी साहेब और पहले सब उसमें श्री कृष्ण जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और इसको कंप्लीट कर दीजिए जो आपने लिखा हो। हाँ जी, सही है जी, सही है, बिल्कुल सही। कृष्ण भैया एक बात मैं और कहूंगी जरूर कि शुरुआत जो हुई निज नाम श्री कृष्ण जी से हुई, डायरेक्ट श्री जी साहिब जी पे नहीं पहुंचे सुंदर साहब जी। शुरुआत करनी है तो रास से करनी पड़ेगी, बसाना पड़ेगा, उनको छोड़ नहीं सकते और साहिब जी पे पहुंच नहीं सकते, इसलिए दोनों को हृदय में लेकर अंदर जो है उस स्वरूप के लिए प्यार लेके आगे बढ़ेंगे। बबीता दीदी आप दोहरा दीजिए। प्रणाम। सनंद ग्रंथ में ये हुआ था और फिर मुसलमानों को अपने उनको बताना था, अभी उनको जागृत करना था, इसीलिए ये लिखा गया था। अरे फिर तो एकदम क्रिस्प क्लियर आंसर दिया हमारे दुष्यंत भैया ने। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला।
अगला क्वेश्चन है, गांग जी के पहले बेटे और बहू का नाम क्या था और क्या उन्होंने श्री देवचंद्र जी की सेवा को सच्चे मन से निभाया था? अरे वाह, क्या प्रश्न पूछा है। मैं अभी शेयर करती हूँ एक चीज सुंदर साहब जी, मैंने सोचा था कल करूंगी पर आपने ये प्रश्न पूछ ही लिया है तो फिर अभी करती हूँ। ये देखिए, एक सेवा की थी, 3-4 दिन से चल रही थी, उनको क्राउन भी पहनाए थे। तो अब सारे सुंदर साथ हैंड रेस कीजिएगा। ये देखिए, जिन जिन ने सेवा की उनको क्राउन पहनाए गए हैं। ये देखिएगा, आज शेयर कर दी जाएगी सुंदर साथ जी। ये देखिए, गांगजी भाई का लौकिक कबीला, ये क्राउन का मतलब है कि उन्होंने सेवा की, किसी तरह से उनको रिझाया, पहचान की। ये देखिए, उनका पूरा परिवार कहाँ कहाँ ये क्राउन पहना हुआ है, बड़े ध्यान से आज देखेंगे सुंदर साथ जी, पहचान की। ये किनकी बात की है, इन्होंने अभी अभी किनकी बात की है सुंदर साथ जी, वो आप बताइएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, तो पहले बेटे और बहू का क्या नाम था? पहले देवचंद्र जी का आया, आप गांगजी भाई का, आगे मेहरराज ठाकुर जी का, हरिदास जी का भी आएगा सुंदर साहब जी। जितने हो सके इनमें आएंगे ताकि हमारे हृदय से कोई माया चाहे भी तो ना निकाल पाए इनको। हाँ जी, तो सुंदर साहब जी बड़े बेटे और बहू का नाम पूछ रहे हैं। शकुंतला दीदी मस्त तो बड़े प्यारे दिखाई देते हैं आज, आपका हैंड रेस भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तो सुनीता दीदी, प्रणाम जी, सुनीता भगत दीदी। प्रणाम जी। गांग जी के बड़े बेटे का नाम था श्याम जी और वो ईमान नहीं ला पाए थे सदगुरु धनी देवचंद जी पे, और उनकी पत्नी थी अजबाई और वो पूर्ण विश्वास लेके आई थी। और दीदी, उनके आगे बेटे या बेटियां या बेटा बेटी, इनके बेटे बेटियां, ये इन्हीं के दोनों के? हाँ, वो दो बेटियां थी ना उनकी, वो जो खिलौने जिनको करके बोला गया है। अरे वाह, हाँ बिल्कुल, नाम नहीं उनके मुझे याद आ रहे, पर उनको खिलौने करके बोला, वो धनी देवचंद जी उनको गोदी में खिलाते थे ना। बिल्कुल, तो मैंने तो उनका नाम हर लाड वो लिया करती थी, तो हर बाई और लाड बाई, बहुत सुंदर दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत प्यारा उत्तर। हाँ जी बबीता दीदी, अगला ठीक है दीदी, ये ठीक है आंसर। धाम धनी ने, अगला क्वेश्चन है, धाम धनी ने कौन से तनों को विरह अग्नि के देह त्याग से क्यों बचाई रखा? द्वार से रिपीट करूं? हाँ जी, हाँ जी। धाम धनी ने कौन से तनों को विरह अग्नि के देह त्याग से क्यों बचाई रखा? हाँ जी, सबीना जी। प्रेम प्रणाम जी, अगर अंधेरा हो जाएगी तो धाम धनी ने क्योंकि प्राणनाथ जी से जब तक नहीं मिल पाए, मीरा जी से जब तक नहीं मिल पाते तब तक वो अपने विरागी में तपाई रखे थे, यही है, वही था क्योंकि वहां तक तो नहीं पहुंचे ना। हाँ जी प्रणाम जी, मुझे भी जी पूरा क्लियर नहीं हुआ ये बबीता दीदी, जब हाँ जी नहीं, जब आंसर बताया तो मुझे पता चला कि यहाँ तक तो नहीं पहुंचे हैं, तो प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कमलेश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, केशव दास, मुकुंद दास और लाल दास हो गए, हाँ जी, तीन, क्योंकि उनको सेवा भी कार्य करना था ना सब बाद में, इसलिए उनका तन था। अग्नि बोल रहे हैं जब उन्होंने तन छोड़ा था सुंदर साथ जी, तो प्रसंग वो बता रहे हैं जब छोड़ा नहीं था, ध्यान अवस्थित पन्ना जी की तरती में जब वो ध्यान अवस्थित हुए, तो ऐसे ये तीन सुंदर साथ के स्पेशल नाम आते हैं कि उनको उससे बचाए रखा ताकि वो तन ना छोड़ दें उस समय, क्योंकि उनसे सेवा लेनी अभी बाकी है, तो ये उस प्रसंग की बात हो रही है। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम। चार थे ये, महाराज 76 साल को जागनी कार्य के लिए, अरे लालदास जी को भीतिक लिखने के लिए, केशव दास जी को वाणी का संकलन करने के लिए, और मकंद दास जी को धर्म प्रचार करने के लिए ये सेवा करनी थी उनसे, इसलिए उनके तनों को। बिल्कुल, छत्रसाल जी, अमीरुल मोमिन, और बाकी तीनों लालदास जी, मुकुंद दास जी और
केशव दास। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है दीदी, क्या मूर्ति पूजा को जड़ता ने हिंदू समाज को बुरी तरह से जकड़ रखा है, इसका क्या अभिप्राय है? हाँ जी, हाथ नहीं खड़े हो रहे बबीता दीदी ज्यादा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है दीदी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जी। स्वर्णा स्वर्णा जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मूर्ति पूजा को सब मतलब इसीलिए जकड़ रखा है कि मूर्ति पूजा से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, और हम सब मूर्तियों की पूजा करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ मूर्ति पूजा को छोड़कर चितवन से आत्मिक नेत्रों से राज्य का दीदार करना है, इसलिए हमें मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और हमें चितवन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। ये किस प्रसंग से रिलेटेड था और ये क्यों आई होगी ये बात? आयुषी प्रणाम जी, इसी प्रश्न का जो उन्होंने पूछा जी। दीदी मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मूर्ति की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो मूर्ति में, जैसे कि एक बार बताया था आपने शायद लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति थी वो गायब हो जाती है, तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि मूर्ति में मैं नहीं हूं लेकिन वो मेरी ही एक रिप्रेजेंट करने की छवि है। तो अकॉर्डिंग टू मी मूर्ति के अंदर प्राण नहीं होते, भगवान नहीं होते, और मूर्ति पूजा ने जो किया हुआ है वो मूर्ति ने नहीं किया, वो हमारा अपना है कि हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे भाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि हम लोग तो खैर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम तो अपने ज्ञान की पूजा करते हैं, राज्य की पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा मैं किसी का ये नहीं कहूंगी कि कोई गलत कर रहा है, किसी की निंदा नहीं करना चाहूंगी, बट ये चीज है कि मूर्ति पूजा करने से कुछ फल हमें नहीं मिलता, ये मैं कहना चाहूंगी। और मूर्ति पूजा ने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है, वो हमारी अपनी सोच है, जो गलत किया हुआ है वो हमने किया है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम दूसरों के सामने उसको जाके बोलते हैं, वो चीज गलत हो सकती है, बट मूर्ति कोई गलत नहीं होती क्योंकि वो यहाँ की, जैसे कि आपने बताया था शायद कल ही की बात है कि माँ ने बेटे को पैदा किया है या बेटे ने माँ को, कुछ इस तरह का मैंने सुना था। नहीं नहीं आपने नहीं, पापा जी ने मुझे कल समझाया था गायत्री मंत्र से रिलेटेड। मैं भूल गई वो चीज कि गायत्री मंत्र जो है वो वेदों से आया है। तो इसी तरीके से मूर्ति को हमने बनाया है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा ना कैसे दिखते थे वो लोग, तो मूर्ति को हमने बनाया है, तो उसकी हम जो चीज हमने खुद कल्पना की है उसी को हम खुद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि है ना कि मूर्ति की, इतना ही कहना चाहूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर प्रणाम जी। मूर्ति कर्म कांड में हम बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्थूल पूजा हो जाती है, कर्म कांड में पड़ जाते हैं, इसको नहलाया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे, पर उससे प्राप्त कुछ नहीं होता। अति सुंदर, अरे वाह कनु भाई, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ऐसे कहा जाता है कि मूर्ति जड़ होती है लेकिन जड़ में परमात्मा नहीं रहते, वो तो चेतन में है ना, तो वो सही है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर, बिल्कुल टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर दिया कि जड़ पूजा है और क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जड़ में रहते ही नहीं, वो स्वयं चेतन है तो हृदय में रहते हैं। सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर कनु भाई, प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी ठीक है जी, वैसे मैंने लिखा है इसमें, ये एक ऐसी खाई है इसमें गिरने वाला बहुत मुश्किल से निकल पाता है, समस्त समाज को ज्ञान भक्ति और वैराग्य से रहित होकर अडंबरों की प्रभुता को स्थापित करना ही भूल शह की जड़ पूजा है। हाँ जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन हो रहा है बस। अच्छा, देवचंद्र जी को श्री देवचंद्र जी के मुख से रे मूर्खों जैसे शब्द क्यों निकले?
हाँ जी, कब निकले थे, क्यों निकले सुंदर साथ जी, वो तो कभी ऐसे नहीं बोलते थे, कभी भी नहीं ऐसे बोलते थे, तो क्यों ऐसा हुआ कि उनके हृदय से वो शब्द निकले। हाँ जी सुनीता अभी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब उन्होंने भागवत के लिए जाना था तो उन्होंने उसके माता पिता ने कहा नहीं तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तो डॉक्टर ने मना किया है संधिपात हो जाएगा इसलिए तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ये मेरा शरीर तो यहीं रह जाएगा पर मेरी आत्म तो वो कथा सुनने जरूर जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा ले ने रे मूर्ख हो, इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने माता पिता को कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ, रे मूर्खो मैं ये मेरा तन यहाँ रख लो पर मेरी आत्म तो वो सुनने के लिए जरूर जाएगी, इसलिए कहा था। बिल्कुल अति सुंदर सुनीता दीदी, प्रणाम जी आपके चरणों में प्रणाम। ठीक है जी, मैंने लिखा है प्रीतम के प्रेम में परिवार को बाधिक समझने के कारण ही उनके मुख से ऐसे कठोर शब्द निकले, अन्यथा वह तो शलीनता की प्रतिमूर्ति ही थे। हाँ जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बबीता दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कैसे सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे हैं पूरी टीम से, अति सुंदर प्रणाम जी। हाँ जी अब माफ कर देना, कोई भूल चूक नहीं होती, धनी को रिझाने में सब पावे पुट्ठा पावे सीधा, मेरा तो ओदे नाल गिद्दा पाना सीता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बबीता दीदी। हाँ जी अब चलते हैं, हमारी ये जो डायलॉग मास्टर है ना हमारी सीमा दीदी, अति सुंदर, आइए देखिए कौन सी एक्टिंग वो करके दिखा रहे हैं, बूझना है अब जल्दी अटेंटिव हो जाइए, थोड़ी नींद तो आ नहीं रही होगी मुझे पता है, पर अटेंटिव होके बैठ जाइए कि क्या कर रही है, हमें पहचानना है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साहब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साहब जी ये जो भी मैं करूंगी मैं बोलूंगी नहीं, आपको बताना है, अगर कोई प्रसंग है तो या कोई व्यक्ति है तो या कोई आत्म है तो बस ठीक है, बूझो तो जाने टाइप्स। लेट्स डू स्टार्ट। अरे वाह, पूरी लीला आपने फ्यू सेकंड्स में करके दिखा दी सुंदर साथ जी, फ्यू सेकंड्स में पूरी लीला करने का ये जो राजी ने उनको गुण दिया हुआ है ना, ये बहुत सुंदर गुण है। तो आइए चलते हैं हमारी प्यारी शांता दीदी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी मुझे लगता है ये कृष्ण जी की लीला है, जब वो मैया से माखन मांगते हैं रस्सी से उनको बांधा जाता है, मैया को वो परेशान कर रहे होते हैं तो उस टाइम में उनको जब रस्सी से बांधा जाता है तो ये वो वाली लीला इन्होंने इंटरप्रेट करके दिखाई है दीदी। हाँ जी बिल्कुल, देखो आपने कितना अच्छा किया होगा कि हम सबको पता लग गया, इतने सारे हैंड्स रेज हो गए, मुझे लगता है मुझे लग गया पता ना तो सबको लग जाता है, क्योंकि मैं इसमें सही में दम बोलते है ना, मैं वही हूँ इसमें, मुझे कभी समझ में नहीं आती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रणाम जी। बहुत सुंदर शांता जी। नेक्स्ट है अरे वाह, ब्रज के बाद अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे पिया, कहाँ जाओगे ब्रज के बाद, कहाँ जाओगे ज्योति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। ये रास लीला की लीला है जो आंख मिचौली के टाइम सखी बोल रही है हमारी राती सखी की, सखियों आज धनी जी को पहले पहले बारी देती है, नहीं तो ये छलिया पकड़ में नहीं आते हैं, इनकी कान बहुत बहुत पतली आवाज है, इसीलिए अपनी अपनी सभी जो सिंगार है चूड़िया है सभी अच्छे से कर लो ताकि आवाज नहीं निकले बजे नहीं, नहीं तो ये पकड़ में आ जाएंगे, सावधान रहना इनसे, बहुत ही होशियारी करते हैं छलिया। नाम जी बहुत सुंदर, और
कितना हर्ष आ जाता है ब्रजराज की लीलाएं देख के, सखियों के मुख कितना हर्ष आ जाता है। कल सुंदर साहब जी हाफ एन आवर की प्रेजेंटेशन और हाफ एन आवर पूरा सूरत की सखियों के नाम क्या उन्होंने भेज दिया है, मिस ना कर दीजिएगा क्योंकि आनंद नहीं आएगा नहीं तो। बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी सीमा दीदी, प्रणाम जी, अति सुंदर ज्योति जी। हाँ जी सीमा दीदी, एक मिनट आपका ना मैं स्पॉटलाइट करती हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट बोल रहे होते हैं ना उन्हीं की आने लग जाती है, एक मिनट। हाँ जी ध्यान से देखिएगा सुंदर साहब जी, अनदर वन। हाँ जी अरे वाह बहुत सुंदर, ये तो कितनी बार हमने देखी थी सुंदर साहब जी, वो याद आ गया पूरा समय, ना केवल जो यहाँ किया हुआ है जो वहां करके आए हैं ना वो भी पूरा याद आ गया। हमारी जो रामते स्पेशलिस्ट है ना हमारी गीता दीदी, एक एक रामत रास का पूरा सिंगार उनके हृदय में बसा हुआ है। तो अभी मुझे पता है आपको आता है इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊंगी। सुनीता सिंगल दीदी आपको भी आता है, सबको आता है। प्रणाम जी, शायद उड़न खटाले की उड़न खटोले की रामत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा उनके एक्शंस को। वो हिरण के जैसे जो उछाल लगाते हैं ना। और क्या बोल रही थी आपने? तो आपने तो रेत उड़ाई, आपने तो धनी जी रेत उड़ाई है, देखो मैं लगा के दिखाती हूँ। अरे वाह बहुत बहुत सुंदर, आपने तो रेत ही उड़ाई है, मैं करती हूँ अच्छा वाला, तो आपका तो बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा बहुत बढ़िया है। सखियों उनकी तारीफ मत करो, बहुत सुंदर। सीमा दीदी एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, मैं हाईलाइट करूंगी ना तो सुंदर साजी अच्छे से नजर में आएगा। हाँ जी दीदी, बहुत, ये तो सबको आती। मंजुला दीदी मैंने आपसे पूछना है, ये मंजुला दीदी आपका हैंड नहीं रेज हुआ अभी तक, ये मंजुला दीदी ने करके भी दिखाना है साथ में, पूरा वीडियो उन्होंने हमें बना के भेजा था, हैट्स ऑफ राजी की मेहर से। हाँ जी मंजुला दीदी करके भी दिखाइए और बताइए भी ये क्या है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। कहानिया की रामत, कहानिया की रामत। ऐसे अरे वाह, देखिए खुशी से शब्द बाहर ना निकले ना उसको कहते हैं कि दिल में कुछ हुआ, वो बोल रहे हैं कोनिया रमिये रे मारवा जये वचन सले हरे कोनिया रमिये रे मारवा मन सावाचा करी करमना सीखो तमने सीखो ए कानिया रमिये रे मारवाला। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर। प्रणाम जी, ये रामत तो जुड़ गई है आपके साथ मंजुला जी। प्रणाम जी, प्रणाम, अति सुंदर। हाँ जी सीमा दीदी बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ जी देखिए क्या क्या ताजा करवा दिया सीमा दीदी, थैंक यू सो मच, अति सुंदर। हाँ जी
बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, मन तो कर रहा है सुंदर साथ गाया करें और सीमा दीदी ऐसे किया करें साथ साथ, तो कितना आनंद आ जाए। बहुत सुंदर ये रामत प्रवीण भाई, अरे वाह प्रवीण, प्रणाम जी प्रवीण भाई, मोर गाएंगे साथ में देखे। ऊंचे स्वर की रामत, बस ऊंचे स्वर की, नीचे स्वर की गड़े, गड़े। आपने कहा तो बिल्कुल सही है तो स्वर की रामत, अति सुंदर। तो साथ में सहयोगिता निभाएंगे हमारे, देखिए मोर बता रहे हैं आपको कौन से स्वर की रामत, पीछे बड़ा सुंदर साथ देते हैं ये। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, ये नृत्य की रामत है ना, नृत्य की रामत में गायन होता है तो उसको तो हाँ जी, तो गायन, तो गायन कितनी रामतों में होता है गीता दीदी? गायन गायन प्रणाम दीदी, गायन तो कई रामतों में है, निश्चित तो पता नहीं है पर तीन चार में है, सभी में ही है तकरीबन, किसी किसी को छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला कौन से किसी में मध्यम में, ये जो अभी बोल रहे थे ना इतने मोटे स्वर में, फिर उससे पतले में, फिर उससे कम, फिर महीन स्वर में, तो वो कौन सी रामत में बताया गया है? पुरुषों के स्वर में, स्त्रियों के, कौन सी रामत थी है? ये गढ़े, गढ़े की रामत थी शायद, मैं भूल गई हूँ दीदी, यहाँ के इंडिया में दिमाग ऐसा हो गया मेरा, देखो कहते नहीं रह पाती प्यारे कितने ऑनेस्ट हमारे गीता दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनीता दीदी बताएंगे, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे तो यही लगता है कि गाने की रामत है ये, जिसमें वो पहले पुरुष के स्वर में गाते हैं, फिर वो स्त्री के स्वर में गाते हैं, फिर और पतले और फिर और मधुर, चार स्वरों में गाते हैं। रामत का नाम तो मुझे भी याद नहीं है। अति सुंदर। स्नेह दीदी आपको रामत का नाम याद है? हाँ जी प्रणाम जी, घूमने की रामत है ये। अरे वाह, घूमने की रामत में ना पुरुषों से आवाज पहले निकालते हैं, फिर वो मीठे मधुर स्वर में गाती हैं, अलग अलग स्वर में ना, घूमने की रामत है। अरे वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। सुंदर साहब जी, घूमते घूमते तो वैसे ही आवाज नहीं निकलती होगी, पर वो योग माया है, कैसे सखियों के अंदर से ये प्यारी प्यारी आवाजें आती होंगी। हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं सुंदर साहब जी। ये कौन सी लीला की बात हो रही है? बात तो वहीं की हो रही है, बांसुरी तो अभी भी उनके हाथ में, कौन सा प्रकरण, कौन सा ये प्रसंग सुंदर साथ जी सीमा दीदी हमें बता रहे हैं? अरे वाह। हाँ जी चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे लग रहा है कि जब यमुना जी में स्नान किया था ना, उसके बाद जब बैठ गए थे तो श्री जी ने पूछा वृंदावन कैसा लगा सखियो, तो सखियों ने कहा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था, लेकिन हमें तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दुखदाई लगा, आग की तरह जलाने वाला लगा। तो उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि तुम हम आप में छोड़ करके चले गए थे, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए थे, ये वहां का प्रसंग लगता है। हाँ जी सीमा दीदी अप्रूव्ड? नहीं, मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि हाँ जी बहुत सुंदर चांद, मुझे भी ऐसा लगा था। हाँ जी किरण कुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मेरे को तो ये लग रहा है जब वो उनका जन्मदिन था कृष्ण जी का, तो उन्होंने सबको बुलाया, सखियों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हमको लाना देते हैं सब, तो बांसुरी नहीं बजाओ, यही वाला प्रसंग है। हाँ जी उन्होंने बोला यही सही है, थम्स अप, बिल्कुल यही सही है। हाँ जी बहुत सुंदर प्रणाम जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गया था, बोल रही थी नहीं आप चले गए थे, आप चले गए थे, आप यहाँ नहीं थे, हमने हर जगह आपको ढूंढा था, आप नहीं थे,
बहुत सुंदर सीमा दीदी, अति सुंदर किरण दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट, एक मिनट दीदी रुकिएगा, एक मिनट। हाँ जी, फिर से जी। बताइए कौन है? अरे वाह, ये तो कितना सुंदर आपने किया, ये पल तो जल्दी से जल्दी आ जाए बस अब। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन से प्यारे सुंदर साथ बता रहे हैं? हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी। फिर से देखिए। हिंट सीमा दीदी, हिंट। ऐसे करते हैं तो हम क्या करते हैं? लिंगन में लेते हैं। आपने वो घूंघट किया ना, तो मुझे ऐसे लगा कि भी वो और श्यामल, वो ठीक है। अरे वाह, बिल्कुल, अति सुंदर श्याम भैया ने साथ में बताया कि ये क्या कर रहे हैं। ज्योति जी, ज्योति, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये लग रहा है कि वो जब बाहों में द्रौपदी सखी पकड़ ली है तो उस टाइम आंखों में आंखें डाल के देख रही है। आवाज नहीं जा रही है? जा रही है आवाज? आवाज नहीं जा रही? आगे जितनी राज्जी ने देनी है वो पूरी आ रही है। हाँ जी, तो रंग, हाँ, वो इंद्रावती सखी ने राज्जी को गले लगा ली है, पकड़ ली है, छोड़ नहीं रही है, उनके आंख में देखे जा रही है। तो वो है क्या, वे समझ में नहीं आ रहा था। प्रणाम जी, अच्छा एक और एक्ट करना पड़ेगा सीमा दीदी, इसके लिए और एक्ट करो, थोड़ा ऐड कर दो इसमें। एक हिंट दे देती हूँ, ये नासिका। अच्छा, ये बाई है कोई, बाई जी। अरे वाह, बबीता दीदी के चेहरे पे बहुत बाई का एक्शन, ये वाला। अब आप बता दीजिए, सोचो सुंदर साथ जी, उनकी टीम को मैं कर नहीं सकती। बबीता दीदी के चेहरे पे बड़ी सुंदर मुस्कान आ रही है। दुष्यंत भैया को समझ में आ गया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राणनाथ जी को देख के तेज कुमारी बाई जी को तो प्रेम उमड़ा, लेकिन फिर उन्होंने उनसे घूंघट कर लिया? वैसे बहुत सुंदर आपने डेबिट किया, बहुत सुंदर डेबिट किया, ये वैसे मैंने सोचा नहीं था, पर बहुत प्यारा था। अरे वाह, बहुत सुंदर भैया, यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाए थे हम सब, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, और सारे सुंदर साथ को मौका मिल जाना इसमें। स्नेह दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नवरंग भाई नृत्य करते हुए और जैसे जो एक्सप्रेशंस वो दे रही हैं। अच्छा, वो भी नहीं है। प्रणाम जी, नहीं वो भी नहीं है। तृप्ता जी, प्रणाम जी। केसर भाई का झगड़ा है मेरे। नहीं, वो ऐसे नहीं करेंगी वो। प्रणाम जी, बहुत अनिल भाई गागर में सागर बनेंगे वही। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। गोपियां लगती है या तो यशोदा लगती है, जो छोटे बालक को जो गोद में लेती है और उसे प्रेम करती है। काफी कुछ आप क्लोज हैं, काफी कुछ क्लोज हैं, लेकिन वो कौन सी आता मैं ये बता दीजिए। चलिए, अरे वाह, प्रणाम जी। एक और सुंदर साथ के पास, कमलेश भाई को भी कुछ समझ में आ गया। प्रणाम जी। सुंदर भाई लगते है, वो उनकी साड़ी में से दिखती है ना धनी जी को, श्यामा जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और सखी के पास चल रहे जल्दी से। मैं बबीता दीदी के पास जा नहीं रही है, उन्हीं के टीम के, पर इनको पता नहीं होगा, एक्ट नहीं करके दिखाया ना सीमा दीदी, थोड़ा दिखाया हुआ। फिर रहन दो, फिर हम अनीता दीदी के पास भी नहीं जाएंगे। तो सुषमा त्यागी दीदी विरहा टीम से है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी। नहीं, ये तो हो गए श्यामा जी, इंद्रावती सखी सारे ही हो गए। अब तो सीमा दीदी,
अनीता दीदी से ही पूछ लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाड़ भाई। अच्छा, वो बोलते हैं ना लाड़बाई जी और आस बाई जी, है ना, सुन, वो उनके पास वैसे ही बैठते हैं, ये वो वाला प्रसंग है दीदी? नहीं, लाड़ ऐसे करते हैं ना बच्चों। हाँ, लाड़ कर रहे हैं बस, लाड़बाई है ना हमारी, एक वो व्यक्ति है ऐसे। मैंने कहा ना कोई प्रसंग भी हो सकते हैं, कोई आत्म भी हो सकती है, तो वो बताना। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रसंग की अगर ले तो वो तो सुंदर साथ बिल्कुल सही पहुंच गए थे फिर, अति सुंदर। प्रणाम जी, और हमें पता भी लग गया कि लाड़ की परिभाषा कैसी होती है, वो भी बता दिया। प्रणाम जी। हाँ जी, वंस मोर। अरे वाह, ये भी कोई बाई है ना, ये बाई का ये एक्शन हुआ ना। हाँ जी, अब हमें पता लग गया बाई का एक्शन आप कैसे करते हो, तो अब हमें पता लग गया बिल्कुल। तो पहले नासिका पे हाथ जाता है, फिर ऐसे करके करते हैं तो बाई का एक्शन होता है, वो समझ जाइए सुंदर साजी, है ना। चलिए, हमारी प्यारी शीतल बता रही है। प्रणाम जी। तो शीतल आवाज नहीं आ रही, आप वो उतारिये, ईयरफोन उतारिये। सुंदर भाई। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। देखिए सुंदर साहब जी, पहले आवाज नहीं आई है ना, राजी का स्वरूप, राजी कहते मेरे स्वरूप पढ़ने में आए ना आए, सुंदर भाई में जरूर इनकी, श्यामा जी से प्यार कितना करते हैं वो, सुंदर भाई से प्रेम कितना करते हैं, कहते इसमें आवाज तुम्हारी जरूर आनी चाहिए, इसमें कोई नहीं बदलना पड़ेगा डिवाइस, बहुत सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट है once more, फिर से करो। हाँ जी, फिर से। ये आपने कितने दिखाए थे, कितने दिखाए थे, चार के पांच, चार, अच्छा वेरी गुड। वही पूछना था। चित्रा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फुलसा जी, पहले तो बहुत बहुत आनंद आ रहा है, सीमा आंटी को हमेशा ऐसे देख के बहुत ही मजा आता है। ये विष्णु जी की चार भुजाओं का वर्णन है शायद से, है ना, तो जिसमें आप कमल भी बना रहे हो, चक्र भी बना रहे हो, और वो किस किस का प्रतीक है मुझे अच्छे से नहीं याद, कमल ऐश्वर्य का, और मुझे ठीक से अच्छे से नहीं आता है। बहुत सुंदर, चक्र संगठन का, कमल ऐश्वर्य का, गदा शक्ति का, और शंख ज्ञान का प्रतीक है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, अरे वाह। प्रणाम जी, थोड़ा थोड़ा याद होने लग गया है। प्रणाम जी। हाँ जी, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इन्होंने कहा पांच प्लस पांच प्लस चार। सुंदर साथ जी, एक बार फिर से हैंड रेस कीजिएगा। फाइव प्लस फाइव प्लस फोर किया था इन्होंने, तो वो ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, हमारी वाणी 14 ग्रंथ और शिवनाना जी की, मतलब उसका ध्यान करो ना, ना। बहुत सुंदर अनु दीदी, बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रणाम जी आपके चरणों में। प्रणाम जी, तो 14 ग्रंथों का, 14 किताबों का कह रहे हैं,
उनमें वाणी में दिल लगाना है हमने, अति सुंदर सीमा दीदी ये तो बहुत ही प्यारा था। प्रणाम जी। हाँ जी नेक्स्ट है कितना सुंदर वाओ राजी क्या चित्रण किया है आपने, और वो भी फ्यू सेकंड्स में। सुंदर साजी समय नहीं लिया इसमें बिल्कुल भी, और सारा चित्रण कर दिया। कौशिका जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जब राजी बंसी बजाते हैं तब सखिया राशि द्वांसी स्वासी सब भाग चलती है घर सब छोड़ के, ये लीला। हाँ जी बिल्कुल सही। क्या क्या बता रहे थे वो पहली वाली सखिया? तामसी तो अपने शरीर ही छोड़ दिया, राजश्री ने वो उल्टा सुल्टा सिंगार कर दिया, और स्वादसी के घर वालों ने दरवाजे ही बंद कर दिए, वही वही वो मूर्छित हो गई ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर कौशिका बेन, बहुत सुंदर सीमा दीदी, जीवंत कर देते हैं ना जो दो फ्यू सेकंड्स में अपने एक्शन से राजी ने ये गुण कूट कूट के भरा हुआ है आपने आप में, बहुत सुंदर सीमा दीदी। हाँ जी एक मिनट। हाँ जी मैं एक मिनट, मुझे बस हैंड्स नीचे करने दीजिए और फिर आपको स्पॉटलाइट करने दीजिए और फिर आप शुरू कीजिए। हाँ जी हाँ जी दीदी। एक बार और अरे वाह सुंदर साज जी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, सही में बहुत सुंदर हैंड रेज होते जा रहे। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सदगुरु देवचंद्र जी ने दर्शन किया राज जी ना? सदगुरु देवचंद्र जी ही है। देव देव चंद्र उनके शब्दों में ही आ गए, अपने आप ही वो आ गए, समा गए उनमें। अति सुंदर सविता बेन प्रणाम जी। अरे हाँ जी दीदी। बड़ी स्ट्रिक्ट एक्टिंग की है उन्होंने, ये बड़ी स्ट्रिक्ट एक्टिंग की है, इससे तो सबको पता लग जाना चाहिए कि रास में ये स्ट्रिक्टनेस कहां से आई थी, कैसे हुई थी, उसमें एक ही चीज हुई थी बस ऐसी वाली। सोचिए सोचिए। अरे वाह। हाँ जी विजय आंटी। अरे वाह सुरक्षा आंटी और फिर विजय आंटी। हाँ जी अन्यूट। हाँ, मैं आ गया, ये कह रही हूँ बोल, आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब सखियां बांसुरी की आवाज सुनती हैं तो सब सखियां जो है ना अपना सारा काम उलट उल्टा उल्टा सीधा करके सखियां बांसुरी की सुनने के लिए वहां पहुंचती हैं कि हमारी कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। अब मैं तो इतना ही जानती हूँ और कुछ नहीं जानती। अरे वाह बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है, प्रश्न नहीं बदलना पड़ेगा, पिछले प्रश्न का उत्तर दिया। अति सुंदर सुरक्षा आंटी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से मुझे जो समझ में आया, जब वो सखियां कहती हैं कि तुम बांसुरी बजाते हो, अब तुम बांसुरी मत बजाया करो, हमें लोग उलाने देते हैं, तो कृष्ण जी बांसुरी उठा करके अपने पटके में दबा देते हैं कि मैं आज के बाद बांसुरी नहीं बजाऊंगा। मुझे तो ये वाला प्रसंग ज्ञान समझ।
हाँ जी बहुत सुंदर। अगर ऐसा कुछ एक्टिंग रास के लिए की जाए तो कौन सा प्रसंग हो सकता है, आपको क्या लगता है विजय आंटी? ये मधुबन का ही है ना, मधुबन में तो जब बांसुरी बजा रहे हैं नहीं, कृष्ण जी में नहीं, काल माया में नहीं, रास में चले गए, महारास में। महारास में तो आता है ना मधुबन भी, तो जब वहां पर सखियां कहती हैं हमें उलाने देते हैं, आप बांसुरी मत बजाया करो। नहीं ये महारास में थोड़ी हुआ था, ये तो ब्रज में हुआ था ना ये प्रसंग। अच्छा। वहां तो सिर्फ है ना, वहां तो सिर्फ माया में। हाँ जी हाँ जी, अभी सुनते हैं, रसीला बेन ने भी हैंड रेस किया। प्रणाम जी रसीला बेन। प्रणाम जी। गोपी भागी आएंगी और उत्तर देंगी अभी। हाँ जी केसरबाई और इंद्रावती जी का प्रश्न वही छे, वही छे केसरबाई अने इंद्रावती नु प्रसंग छे, एंड बहुत सुंदर थे, बहुत सरस प्रसंग, उसी में स्ट्रिक्टनेस ऐसी। एक बार सीमा दीदी ये एक्टिंग फिर से करके दिखाइए, बड़ी अच्छी थी, बहुत सुंदर रसीला में। मैं नहीं दूंगी अपने प्राण वल्लभ को, अति सुंदर। हाँ जी दीदी मेरे ही है बस। मधुर झगड़ा केसर भाई और इंद्रावती जी का, बहुत सुंदर। अच्छा अब बस एक लास्ट एक छोटा सा डायलॉग है, आपको बताना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई अगर हमने मुनि जी को प्रणाम कर लिया होता, अपने अहंकार में चूर ना होते, तो आज ऐसे सजा ना भुगत रहे होते। जाने जाने कब आएंगे हमारे तारनहार। हाँ जी सुंदर साहब जी, ये डायलॉग किसने बोला है सुंदर साहब जी बताएंगे? श्रीनिवास अंकल बहुत बहुत अच्छी मुस्कान हो रही है। हाँ जी प्रणाम जी आप बताइए। ये यमला अर्जुन नाम के जो दो वृक्ष थे ये श्राप बस बन गए, इन्होंने मुनि जी को प्रणाम नहीं किया था जिसके कारण इनको श्राप लगा था। उन्होंने ये भी बता दिया था कि जब द्वापर आएगा तब श्री कृष्ण रूप में परमात्मा आएंगे तब तुम्हारे मुक्ति होगी। तो ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा कि जो हमारी मुक्ति होगी। अरे वाह बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल मैं तो अभी पीतक में घूम रही थी, पीछे जा ही नहीं पाई थी इतना यमलार्जुन के पास। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साहब जी। नल कुबेर और मणिग्रीव दो भाई जो थे उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, उनको श्राप मिला था और वो पेड़ बन गए थे और इंतजार कर रहे थे कब उनके तारनहार श्री राज आएंगे और उनको मुक्ति मिलेगी इस श्राप से। अरे वाह बहुत सुंदर। सीमा दीदी आप पूरा दिन 24 आवर्स भी करो ना, हम सारे सुंदर साथ बैठे। बहुत सुंदर। प्रणाम जी मैं जब भी वो बोलती हूँ ना भला भया मेरी मटकी टूटी, मुझे आपके ये टेबल पे बैठी हुई वो मटकी याद आती है जो आपने रखी थी ना, बड़ी सुंदर, जब कृष्ण जी का अभिनय किया था वो यादें हमेशा हृदय में ऐसी हो गई है कि वहां जाके भी इनकी जरूर बात होगी। प्रणाम जी प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम। हाँ जी सुंदर साहब जी हैंड रेस करने के लिए तैयार हो जाइए, आ रही है हमारी प्यारी अनीता दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साहब जी। मेरा पहला प्रश्न रास से है, पूछो तो जाने के रूप में, यूं तो मैं हूं श्री राजी का ही अंग, यूं तो मैं हूं श्री राजी का ही अंग, पर लीला रूप में दिखता हूं अलग। वैसे क्रम में तो पांचवा है मेरा स्थान, पर पहले चारों से कुछ अधिक है मेरा श्रृंगार। हाँ जी आप थोड़ा रिपीट भी करते जाइएगा जब तक हैंड रेज हो रहे हैं ना दीदी। यूं तो मैं हूं श्री राजी का ही अंग, पर लीला रूप में दिखता हूं अलग। वैसे क्रम में तो पांचवा है मेरा स्थान, पर पहले चारों से कुछ अधिक है मेरा श्रृंगार।
अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न ये आपने बनाया, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी हाँ जी, सुंदर साथ जी कौन से प्यारे, आईफोन, आईफोन के नाम से प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। ये श्री राज जी का वो जो उत्तरी हार है ना, उसकी बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, कहाँ उन्होंने कैसे बनाया और आप बिल्कुल वहीं पहुंच गए, अति सुंदर, दोनों की ये भागीदारी अति अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी जी प्रणाम जी प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न है, 14 मन्वंतर में कितने चतुर्युगी आते हैं? 14 मन्वंतर में कितने चतुर्युगी आते हैं? हाँ जी सुंदर साहब जी, किस किस को याद है, मुझे तो खुद भी याद नहीं। हाँ जी कमलेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, 1000। हाँ जी, 14 मन्वंतर के बराबर एक कल्प होता है और एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। 1000 तो याद था, पर मुझे लगा था 1000 कुछ और ही है ये, पर बहुत बहुत सुंदर। ये रिवाइज कराने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, तीसरा प्रश्न है, वैदिक परंपरा में अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम क्या है? अरे वाह, सबके हाथ खड़े होने चाहिए इसमें तो। ये तो बहुत बहुत प्यारा, बहुत इजी प्रश्न है सुंदर साहब जी। शांति देवी जी, आपकी आवाज सबसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ओम ओम शब्द है। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। अगला प्रश्न है, द्वापर युग में मनुष्य की उम्र कितनी मानी जाती है? अरे वाह, बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बिल्कुल सटीक रिवीजन जिसको बोलते हैं ना सुंदर साहब जी, वो करवाते हुए। हाँ जी, हमारी प्रफुल्ला बेन प्रीत भंडेरी के नाम से प्रणाम जी। प्रणाम जी, द्वापर युग में मनुष्य की उम्र 300 साल होती है। द्वापर में ना, द्वापर में 200। हाँ जी, द्व मतलब दो, त्र मतलब तीन, इस प्रकार से सकते। बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, सखियों को शूरवीर क्यों कहा जाता है? शूरवीर क्यों कहा जाता है? अरे वाह, वेरी गुड, सखियों को हमें सुंदर साहब जी शूरवीर क्यों कहा जाता है? अपने लिए तो बोलते हुए ही शर्म आ रही है मुझे। उन सखियों को सुंदर साहब जी जो सच में शूरवीर बन गई, उनको शूरवीर क्यों कहा जाता है, जो हमें भी बनना है। हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, जो वाणी में लिखा है प्रॉपर वर्ड्स तो नहीं, लेकिन जो मेरे भाव आया सुनते ही, जैसे मेरा ध्यान गया 12 मोमिनों की तरफ, तो वो शूरवीर कहलाए, क्योंकि धनी पे इतना ईमान कि धनी की राह पर चलते कोई भी मौका आ जाए, कोई भी मरने को तैयार जिसको कहते हैं, तो इतनी बहादुरी करके दिखाई। वो कहते हैं धनी जहाँ भी आपके चरणों में मूल मिला हुआ है, मैं अगर तन चला जाएगा तो वहाँ भी आपके चरणों में, तो ये शूरवीरता उन्होंने करके दिखाई। मेरा ध्यान तो उधर ही गया, बाकी अनिता जी बताएंगी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर वाणी में एग्जैक्ट शब्द सुनने हो तो वो पूरे अंकित कहाँ हो जाते हैं सुंदर साहब जी, जैसे अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड होते हैं, कहाँ होते हैं, हमारी कुसुम आंटी बनाई। मैंने लिखा है कि प्रेम के क्षेत्र में, वैसे आशी दीदी ने बिल्कुल सही बताया, प्रेम के क्षेत्र में रास क्रीड़ा करने वाली ये ब्रह्म सृष्टिया शूरवीर कहलाती है, और अंतर ध्यान में रोते रोते जब अनुकरण लीला में हंस भी रही हैं और हर लीला में बढ़ चढ़ कर भाग लेके पूरे ईमान के साथ, इसलिए उनको शूरवीर कहा जाता है। अंदर हमारे कुसुम आंटी बताने ही वाले थे, बस उन्होंने फुल ऐसे बताना था। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साजी आनंदे रोते ना, वही है ना, आनंद
प्रणाम। और एक प्रश्न जो अभी स्क्रीन पे दिख भी चुका है पर फिर भी पूछ लेती हूँ मैं। गांजी भाई के लौकिक परिवार में तीन ऐसे नाम बताइए जिन्होंने श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान रामधनी की पहचान नहीं की। तीन बताने हैं बस सुंदर साहब जी, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने की, बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं की, तो नहीं वाले बताने हैं हम सुंदर साहब ने। हाँ जी, जिन्होंने पहचान नहीं की, वेरी गुड, अति सुंदर, बहुत अच्छे, हैंड रेज होते जा रहे हैं। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, पहले तो उनके उनका पुत्र बिहारी जी ही है। गांगजी भाई में जो श्यामल है वो, हाँ जी, फिर विष्णु भी आता है, विष्णु का भी नाम आता है, उनको भी पहचान नहीं थी। उनके कबीले में आता है अनिल भाई, कबीले में आता है। हाँ जी, और तीसरा नाम याद नहीं आता जल्दी। अच्छा, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु जी पता नहीं मैंने लिखे थे कि नहीं, पर सुंदर साहब जी भी बताएंगे क्योंकि मुझे भी पूरे याद नहीं है सुंदर साहब जी। हाँ जी, सैमसंग SM के नाम से सुंदर साहब राम जी। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया सुंदर साहब। हान भाई और उनके बेटे गोविंद भाई और खेताराम तो अरब में थे, उन्होंने भी ईमान नहीं लाया। तो आप मिहिर राज जी के कबीले पे पहुंच गए आप, तो गांगजी भाई के कबीले की बात हो रही है ये। गांगजी भाई के भाई थे ना खेताराम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं ही गलत थी। हाँ जी, हान भाई भी बिल्कुल सही, खेता भाई, हाँ जी, हाँ जी, भान भाई, खेता भाई और गोविंद भाई, बिल्कुल सही, अति सुंदर, गोविंद भाई भी उनमें आ गए, बिल्कुल सही प्रणाम जी, सुंदर जी, बिल्कुल सही बताया, यही मैंने भी सोचे हुए थे। अरे, उनकी पत्नी भान भाई, उनके भाई गोविंद भाई और खेता भाई, हालांकि खेता भाई वहां नहीं थे लेकिन मीरा जी के द्वारा उनको बहुत चर्चा वाणी सुनाई गई थी, फिर भी वो पहचान नहीं कर पाए थे। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न सुंदर साहब जी, पूरा दोहराते हुए, अति 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 सुंदर। हाँ जी, अब सोनिया जी वो शेयरिंग का है पर वो हम बाद में ले लेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया, अभी दो सदस्य और हैं, मंजुला बहन पहले आए। हाँ जी, प्रणाम जी, मंजुला बहन प्रणाम जी, आज हम प्रश्नों की रामत, कोनिया की रामत करने वाली सखी के साथ करेंगे। प्रणाम जी मंजुला बहन। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को, प्रेम प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी के तन से सबसे पहले किसकी जागनी हुई? अरे वाह, इसमें तो सब सुंदर साथ, यूट्यूब वाले सुंदर साथ भी हैंड रेज करना चाह रहे हैं, वो यूट्यूब में कमेंट लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, आप वहां कमेंट लिख कर भी बता सकते हैं, अति सुंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही भैया ने बताया, अभी विष्णु जी श्याम जी के बेटे थे, श्याम जी के बेटे थे। हाँ जी, मैं अभी ना वो चार्ट भी दिखाऊंगी सुंदर साहब जी, हम लोग उसको याद भी करेंगे जितना हो पाया। हाँ जी, तो सुंदर साहब जी, कौन से सुंदर साहब ने, हाँ जी अंजू सेठी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गांजी भाई, हाँ सही है, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न है, क्या श्री देवचंद्र जी भूलवश एक रात प्रदक्षिणा करने आ गए थे या फिर उनका रोज का काम था? ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न, ताकि सारे सुंदर साथ हाथ खड़े करने में आहुति होती है सुंदर साहब जी, ये आहुति होती है जो हम हैंड रेज करते हैं। आशीष जी प्रणाम जी। हाँ जी, क्या प्रश्न था फिर से बोलो,
क्या श्री देवचंद्र जी एवरीडे उनका डेली का रूटीन था कि वो परिक्रमा करते थे, लेकिन एक दिन उनको हरिदास जी ने देख लिया तो लगा कि तड़के तड़के मैं गलती से भुलावे में आ गया, बट ऐसा नहीं था, वो रोज करते थे। 12 से 3 की उनकी शयन की टाइम होता था और उसके बाद 3 से 6 डेली आते थे। राइट जवाब आंसर। प्रश्न बनाया आपने, बहुत ही सिंपल। प्रणाम जी, आशीष भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तीसरा क्वेश्चन है, तारतम की प्रथम चौपाई कहो अवतरित हुई? हाँ जी, कहाँ अवतरित हुई? कहाँ यानी के शहर का नाम, कहाँ मतलब एग्जैक्ट भी बता सकते हैं, और जैसा जिस सुंदर साथ के हृदय में उतरता है वैसे उतारेंगे, पर जो हम सुंदर साथ ने पढ़ा था उनके मुताबिक बताएंगे। हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सुषमा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सतगुरु महाराज जब 14 वर्ष तक भागवत सुन रहे थे, जब उनको दर्शन हुए थे, तो पहले तातम की पहली चुबाई उतरी थी। कहाँ शहर में? शहर का नाम। भागवत कहाँ सुनते थे? कच्छ। कच्छ में नहीं, एकदम भूल गई, एकदम उतर गया दिमाग से। हमारे जीएल तनेजा अंकल है जामनगर में। जामनगर में, अति सुंदर। जामनगर सुनते थे, अब एकदम भूल गए, जामनगर में ही सुनते थे भागवत श्रवण। बिल्कुल, कांजी भट्ट जी के यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। गांजी भाई की पत्नी का नाम क्या थे? ये तो किसी को भूल ही नहीं सकता, 2 बार हृदय से निकालना है सुंदर साहब जी, मेरे हृदय में बसी हुई। गांगजी भाई की पत्नी का नाम हर सुंदर साथ को पता है। अर्चना जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। भानुभाई जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अगला क्वेश्चन है, दामदनी ने लीलबाई से क्या शोभा दी? अरे वाह, दामदनी ने लीलबाई को क्या शोभा दे दी? ये तो अभी अभी किया है बस। लीलबाई कौन थी पहले ये सोचिए, फिर उनको क्या शोभा दे दी सुंदर साहब जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर प्रश्न ये। हाँ जी, दीक्षा दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। लीलबाई उनकी पत्नी थी देवचंद जी की, और उनको ये शोभा दी थी, आप मेरे माँ और पिता, मेरी माता और पिता की सेवा करो आप। ये तो सेवा देवचंद्र जी ने दे दी उनको, ये सेवा तो देवचंद्र जी ने दे दी। धामधनी ने कौन सी उनको शोभा दे दी होगी सोचिए। धामधनी ने, मैं हिंट देती हूँ, लीलबाई जी का तन छोड़ते हुए कौन सी शोभा दे दी होगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, हम सहयोगिता निभाएंगे। तो कौन से सुंदर साथ सहयोगिता निभा रहे? भावना दीदी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीक्षा दीदी, एक शोभा तो उनको मिली ही है, जो आपने बोली वो भी बिल्कुल सही, उनको सेवा की शोभा तो मिली ही मिली थी, अति सुंदर। हाँ जी भावना दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रेम प्रणाम सोनिया जी। जब धामधनी अक्षरा थी श्री लीलबाई जी को लेने के लिए आए, तो लीलबाई जी ने कहा सब सुंदर साथ तो दर्शन करवाते भी जाइए। छेड़ा पकड़ के जब लीलबाई जी उनके साथ गई, तो सब सुंदर साथ को श्री धामधनी जी ने अपने दर्शन दिए, तो धामधनी जी ने उनको सब सुंदर साथ को दर्शन करवाने की शोभा प्रदान। प्रणाम जी, प्रणाम जी, राइट। प्रणाम जी, जैसे इंद्रावती जी हम सबके लिए, लीलबाई जी ने भी सब सुंदर साथ के लिए मांग लिया कि सबको दर्शन दे दो, अति सुंदर भावना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अगला क्वेश्चन है,
श्री केशव जी के 5 पुत्र का नाम बताइए। हाँ जी, 5 पुत्रों के नाम तो हमने बहुत सुंदर याद भी किए हैं। और सुंदर सा जी, एक रिक्वेस्ट, अर्जी गायन करने वाले कोई सुंदर सा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी बारी थी वो अभी हमारे पास नहीं है, किसी कारणवश वो जा चुके हैं। तो जिन्होंने ना किए अभी तक, वो बाद में हैंड रेस करेंगे, सोच के रखेंगे, तैयार होके रहेंगे। हाँ जी, तो जी हाँ जी, सभी सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सबके चरणों में। श्री केशव ठाकुर जी के बड़े पुत्र का नाम हरिवंश ठाकुर जी था, और जो दूसरे नंबर के थे वो श्यामलिया ठाकुर जी थे, और तीसरे नंबर के गोवर्धन जी, चौथे हमारे श्री मिहिरिराज जी, पांचवे श्री उद्धव उद्धवराज जी। बिल्कुल सही और बिल्कुल ऑर्डर में आपने बताए, अति सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है, ले लो। हाँ जी हाँ जी, ले लीजिए, आपके वैसे ही बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्रश्न है, आप ले लीजिए। और जी आप बोलेंगे? अरे वाह, जयंती भाई बोलेंगे। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप पहले प्रश्न लीजिए, फिर जयंती भाई जी। अजी अजी तो माया दीदी बाकी है। नहीं, माया दीदी का मुझे मैसेज आया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोल रहे हैं मैं नहीं ले पाऊंगी, तो आप अपने प्रश्न ले ली। कोई बात नहीं। ब्रह्म सृष्टियों का परम लक्ष्य क्या है? हाँ जी, ब्रह्म सृष्टियों का परम लक्ष्य क्या है? सुंदर साहब जी, नजर कहाँ होनी चाहिए? वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी दीदी। ब्रह्म सृष्टियों का परम लक्ष्य है अक्षर तीर्थ की तरफ है, अक्षर धाम की तरफ है, चितवनी और वाणी के माध्यम से इश्क और दधी का लाड लेके हमको वापस जैसे आए थे वैसे पाक होके परम धाम रहनी, अपनी रहनी सुधार के। हाँ जी बिल्कुल, तो परम लक्ष्य जो है रहनी इज अ रास्ता उस लक्ष्य की ओर जाने का, बहुत सुंदर। परम लक्ष्य उनके दीदार को पाना और उसमें ही हर समय मग्न रहना, यही है ना दीदी? मंजुला जी प्रणाम। मेल खे पढ़ लो। ब्रह्म सृष्टियों का परम लक्ष्य श्री राज जी के दिल में गुज भेदों को जानना और उनकी शोभा श्रृंगार का दिल में बसाना, अपने धनी से एकाकार हो जाना, जैसे धनी और हम एक ही हो गए। अरे वाह, बिल्कुल सही आपने इन शब्दों में कहा, सुनीता दीदी ने अपने प्यारे शब्दों में कहा। तो सुनीता दीदी का आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, बीतक का मूल उद्देश्य क्या है? सारा याद करा रही है, हमारा लक्ष्य क्या है, बीतक साहब का मूल उद्देश्य क्या है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं बस एक सेकंड, फ्यू सेकंड वेट कर रही थी। दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बीतक साहब का मुख्य लक्ष्य है कि इस माया में भटकी हुई ब्रह्मांगनाओं को रहनी में उतार कर और यहीं रहते हुए अपनी निज लीला जो हमारी आप बीती है उसको याद दिलाना, जिससे कि वो रहनी और वाणी को और चितवन को ग्रहण करके अपने मूल तन में जाग जाए। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। रहनी सेवा सिखाना जिससे, और वो याद दिलाना, वेरी गुड, निस्बत को याद कराना, अति सुंदर भैया, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। Yeah. अगला क्वेश्चन है, बुझो तो जानो, तो है। हूँ तो मैं निर्मल श्वेत पर लालिमा से भर आया हूँ, पिया जी के मुख पर शोभित सखियों को रिझाता हूँ, बोलो मैं कौन हूँ? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हूँ तो मैं निर्मल श्वेत पर लालिमा से बर आया हूँ,
पिया जी के मुख पर शोभित सखियों को रिझाता हूँ, बोलो मैं कौन हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तरवीन जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोने। वो जो राजी ने नाक में बेसर पहना हुआ है, उसका मोती जो सफेद कलर का है और जो उनकी होंठों की लालिमा लाल रंग का दिखाई देता है। प्रणाम जी। लास्ट क्वेश्चन है, सुरता रूप में सखियों के संग रामत का रस पाया है, जीवों ने भी रास्ता सुख काल माया में पाया है, बोलो हम कौन। एक बार फिर से। सुरता रूप में सखियों के संग रामत का रस पाया है, जीवों ने भी रास्ता सुख काल माया में पाया है, बोलो हम कौन। अरे वाह, बहुत ही सुंदर ये प्रश्न। ये वही है जो डबल है सुंदर साहब जी, कौन है। बहुत सुंदर। हाँ जी मीनाक्षी जी प्रणाम जी। ईश्वरीय सृष्टि। अरे वाह, अब बताओ ये ईश्वरीय सृष्टि की किसकी बात हो रही है, थोड़ा घुमा। ईश्वरीय सृष्टि की सुरता की, और जो काल माया में जब गोपियों के तन में उसके जीव आए थे वो उसकी बात। बिल्कुल सही, गोपियों के तन में आए थे, हमारे ईश्वरीय सृष्टि जो मतलब 12,000 वाली गोपियों के तन में आए थे। कौन सी गोपियों के तन में आए थे? जूनियर के कुमारिका सखियों के, जूनियर गोपियां के सीनियर गोपियां। जूनियर गोपियां, बिल्कुल सही, अति सुंदर। क्योंकि सीनियर में तो वेद ऋचाओं के आए थे ना, जो हम थी पहले, है ना। प्रणाम जी ईश्वरी सृष्टि। अरे प्रणाम जी, प्रणाम जी सब भी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। हाँ, दो दो ईश्वरी सृष्टि। हाँ जी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। ब्रिज टीम ने कितना आनंद दिया, तो सोचिए ब्रज की गोपियां हम कितना आनंद दे जाती हैं। और ये प्रश्न पूछ रही थी का ध्यान भी था, क्योंकि जयंती भाई रेडी हो रहे थे अर्जी बोलने के लिए, तो आज ब्रिज टीम की ओर से ही अर्जी की सेवा भी हो रही है, तो कितनी खुशी की बात है। आइए चलते हैं हमारे प्यारे जयंती भाई जी की तरफ। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीव रा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, तब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए, जन्म अंति जो मैं हुती जो देखुनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी, इनकी न कबर लीजियो, मैं करूं दुलहीन जी, एतिय रज में तो करूं जो आड़ी पई अंतराय जी, तो अंतरयाड़ी टाली के दुल्हा लीज कंठ लगाय जी,
कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी वरण जाए सी इंद्रावती पियारा को चरणों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानू बात जी सकसो सेवा करू पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री दाम धनी जी में का कहू किन सो बात जी श्रीमती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता श्री दाम धनी जी में का कहू किन सो बात जी श्रीमती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूंगी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है धाम के धनी जी की है सर्व सुंदर साथ जी की है श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अति सुंदर अति मीठी उसी समय सेवा के लिए तैयार होना सुंदर साथ जी कि हां जी हम गाएंगे आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इस परिवार से सुंदर साथ जी बहुत सारी प्यारी प्यारी सेवा होती रही है हो रही है और होती रहेगी आगे भी जाके धनिए पकड़े हाथ। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी स्तुति है हमारे पास और आशीष जी भी प्रणाम जी। हाँ जी स्तुति हो गया अनम्यूट। हाँ आ रही है आवाज। हाँ जी आ रही है। प्रणाम जी। हाँ जी आ रही आ रही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस भी रानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी सब विद समरथ साथ जी सब विद वाला जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी जन्मांधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी जब तुम आप दी खाओगे तब देखूंगी नैनो नजर जी ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो पिया जी जी पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी इती अरज मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराए जी सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। तो
कांठ सो कांठ ला गाय के पिया की जे हास विलास जी वाणी जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय बोलो श्री पन्ना धाम की जय बोलो श्री सुंदर साथ की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी जैसे धनी की इच्छा जैसे वो करवाएं वैसा होता जाए प्रणाम जी हाँ जी आशीष जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी दो ही मिनट लूंगा क्योंकि ये प्रश्नोत्तर थे तो इसलिए मुझे लगा कि यही टाइम है शेयर करने का बहुत ही अच्छा प्रश्नोत्तरी रहा आज का मैं अटेंड नहीं कर पाया लेकिन मंजुला बहन के प्रश्न इतने ज्यादा टेम्पटिंग लगे इतने इजी थे कि मुझे लगा कि इन प्रश्नों के उत्तर तो मुझे आते हैं पिछले साल की बीतक जो कंडक्ट करवाई थी सब सुंदर साथ ने उतना ज्ञान तो सबने दे ही दिया था मुझे कि एक छोटे से प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं और बहुत ही छोटे नहीं बोलूंगा बहुत ही दिल से बनाए और बहुत ही भाव से बनाए प्रश्न की सब उत्तर करें और सब पार्टिसिपेट करें चैट में एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया था वो पता नहीं सुंदर साथ कौन थे और वो लीव कर गए जहां तक मुझे उम्मीद है तो उन्होंने पूछा बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा उन्होंने बोला कि जब एक प्रश्न आया था सुंदर साथ का टीम में कि मूर्ति पूजा का उन्होंने बताया कि क्या ये वाकई में जरूरी है या नहीं ऐसा प्रश्न था तो उन्होंने प्रश्न क्या पूछा कि यदि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता तो क्या वो मूर्ति जो गायब हो गई और बोली कि मैं इनके दर्शन का भार नहीं ले पाऊंगा क्या उस मूर्ति में कोई लॉजिक नहीं है तो उसका आपको बीतक का टीका मैं चैट विंडो में आपके पेस्ट कर दूंगा तो आप सब बीतक का टीका जो नहीं ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे वो चैट विंडो में जो फोल्डर है उसके अंदर में बीतक फोल्डर में आप एक्सेस कर लेंगे गूगल ड्राइव में से ये स्वामी जी का टीका है और इसमें वही चौपाई है कि जब हरिदास जी ने बोला कि आप जो है इनके वस्त्र की सेवा ले लीजिए तो उससे पहले स्वामी जी ने इस चौपाई का बहुत अच्छे व्याख्या किया है तो इससे पहले बताया गया था कि मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं हुआ देवचंद्र जी को उमरकोट में और यहां पर मूर्ति पूजा की सार्थकता बताई गई कि उन्होंने खुद अपनी मूर्ति की सेवा कराने से मना कर दिया तो ये क्या दोनों कथन में कोई विरोधाभास है तो इसका उन्होंने बहुत अच्छा संक्षेप में अभी शॉर्ट में बताया है क्योंकि हर चीज बीतक में लिखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है कि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जड़ जो वस्तु है ना उसका जब भी आप ध्यान करोगे तो उसमें आपका ध्यान जो है वो सूक्ष्मता की ओर नहीं जा पाएगा तो जब मूर्ति देने की बात आई तो इसलिए उन्होंने उनको देने की बजाय बांके बिहारी की वस्त्र की सेवा जो आगे के इसकी चौपाइयों में आएगा और उसको देने का उन्होंने उपयुक्त समझा कि ये इनको जो है अंततः जो इनकी जो फाइनल स्टेज है उसकी तरफ ध्यान समाधि की ओर ले जाने में इसको सहायक होगा तो ये प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर स्वामी जी ने इस चौपाई में संक्षेप में दिया है तो मेरा आग्रह है उन सुंदर साथ से जो अब छोड़ चुके हैं लेकिन यूट्यूब पर जरूर वो सुन लेंगे
स्वामी जी के इस टीका में शॉर्ट में उसका उत्तर दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर पढ़िए और सब सुंदर साथ इस बात को ध्यान में, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी थी जिसके अंदर ये प्रश्न रेज हुआ, और फिर उसी प्रकरण में 44 चौपाई में इन्हीं वस्त्रों के बेस पे वो आगे उनको फिर ध्यान में दर्शन होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जड़ता की जो है सहारा लेने की बजाय सूक्ष्मता का सहारा लें और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने श्री बीतक साहब सुनते हुए ये पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया भी था और आज आशीष जी ने उनको दोहराया, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी तनेजा अंकल, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। आज प्रणाम नहीं हुई इसलिए मैं हाजिर हुआ, मात्र प्रणाम करने के लिए कि मेरी हाजिरी लग जाए, मैं स्कूल पहुंच गया। एक बड़ा अच्छा प्रश्न था कि बीतक का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य तो बताया सबने कि हमारी रहनी है इसके बारे में, लेकिन एक चौपाई बीतक के लक्ष्य के लिए शुरू से लेके अंत तक जब तक हम बीतक सुनेंगे ना, वो तब तक हमें याद रखनी चाहिए कि विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक। ये बिल्कुल सार बता दिया महामती ब्राह्मणा जी ने, लालदास जी ने, कि विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, और उससे क्या होगा, सबको पहचान हो गई पहुंचे कदमों हक। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वापस कदमों के हक के कदमों में पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। मेन लक्ष्य हमारा ये है, रहनी हमारा रास्ता है ना, रहनी हमारा रास्ता है, हमारा उठना बैठना बोल चाल व्यवहार आचरण वो सब क्या है, वो एक मार्ग है, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है कि परम धाम से आए ब्रज रास लीला, ब्रज रास जागने की करते हुए परम धाम वापस जाना है। तो सबको पहचान हो गई पहुंचे कदमों हक, अगर बीतक के माध्यम से मुझे पहचान नहीं हो रही तो इसका मतलब मैंने बीतक ध्यान से या तो सुनी नहीं, सुनी तो समझी नहीं, और समझी तो उस पर मैं चला नहीं। प्रणाम जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर तनेजा अंकल, आपके चरणों में कुटान कोट। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी अनीता त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना अच्छा लगा, एक तो छोटे बच्चे का वाणी गायन, वो भी राज्य का स्वरूप, बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे आगे चलते हैं, उन कितना अच्छा परिवार उनको मतलब शिक्षा दे रहा है। और आप मतलब ये देखो कि एक एक क्वेश्चन ऐसा था उसका आंसर किस तरीके से उन्होंने एक्ट करके बताया, किस तरीके से, हालांकि मैं ज्यादा हैंड रेस नहीं कर पाई क्योंकि ये मेरे से पहले मैंने ज्यादा देखा नहीं है, तो फिर भी बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो कई बार तो ऐसा लगता है कि जो ये हमारा जूम का परिवार है ये परम धाम वाली एक दिली चली हुई है, ये सब कुछ भाव प्रकट करते टाइम भी हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे भाव थे, ये तो मैं बोलने वाली थी, शब्द थोड़े से इधर उधर होते हैं लेकिन भाव सबके वही, ज्यादातर वही होते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये एक रामत मैंने देखी थी इसमें, उसमें गड़े की रामत, गड़े की रामत वो है कि हाथ पकड़ के पहले धीमी धीमी चाल चलना है, कुछ सखियां थोड़ा तेज चलेंगी, कुछ सखियां थोड़ा धीरे धीरे चलेंगी, पीछे रह जाएंगी लेकिन गिरेंगी, फिर भी उन्हें उठाना लेकिन हाथ नहीं छोड़ना है। तो हमारा जो जूम का परिवार है उसमें आप जितने भी सुंदर साथ हैं मतलब इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, और जो नए सुंदर साथ हैं उनका इस तरीके से हाथ पकड़ रखा है और उतने भी धीरे 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 करके लेके चल रहे हो, तो बहुत ही धन्य है सभी सुंदर साथ सभी। और श्रीनिवास जी से तो हम मतलब प्रणाम उनके चरणों में, क्योंकि गाजियाबाद में वो हमारे आश्रम में मंदिर में आते रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता ही रहता है। और यहाँ भी ये देखो कि कितना अच्छा, कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही सबके भाव बहुत अच्छे हैं। और आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। अनीता दीदी, बहुत सुंदर आपके भाव, बहुत भाव भीने आपके शब्द, आपके चरणों में कोटान कोट। प्रणाम जी, मुझे स्तुति का मैसेज आया, दीदी मैं आ नहीं पाऊंगी, घर से बाहर निकल रही हूँ, आज अर्जी नहीं गा पाऊंगी, पर क्या पता राजी ने क्या प्लानिंग की होती है, उनका इंटरनेट भी नहीं था, उनको पता भी नहीं लगा कि अर्जी गायन हो चुका है, जरूर धनी बार बार अर्जी करवा रहे हैं,
बार बार अर्जी करवा रहे हैं कि मांगो मुझसे, मुझको ही मांग लो और मैं आने वाला हूँ, इसीलिए सुंदर साथ गा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था, स्तुति मुझे ही लगाकर स्वयं इंटरनेट उनका छूट जाएगा। क्या राज्जी की इच्छा, क्या उनका हुक्म। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को, बहुत श्रोताओं को प्रेम प्रणाम। आज का जो ये प्रश्नोत्तरी था, मैं इसके लिए सिर्फ 2 मिनट लूंगा मुश्किल से, थोड़ा जिसे सब्जेक्ट आज प्रश्नोत्तरी का है, तो इसमें एक तो राकेश और तृप्ता जी युगल जोड़ी के द्वारा जो वाणी गायन किया गया है कि करनी तुम्हारी मैं पूरी जैसे सतस, कितना सुंदर भाव था उनका। ये ब्रह्मवाणी की का जो चिंतन है, मैं उनके दोनों के श्री चरणों मेरा प्रेम प्रणाम। मुकेश जी की पुत्र वधु आयुषी जी के द्वारा देव जी वो जो उनका पारिवारिक वो दिया गया, प्रवीण जी, बबीता जी, सीमा खुराना जी, और सबसे ज्यादा जो मैं बार बार हृदय नतमस्तक होता है वो सीमा खुराना जी के, क्योंकि उन्होंने जो मोनो एक्टिंग की है, मैं तो हैरान हो गया कि किस तरीके से वो ऐसे कर लेती है। ये गुण राज महाराज जूम में सब जूम के अंदर सभी प्रकार के गुण उन्होंने दे रखे हैं। तो सीमा खुराना जी और अनीता मलिक जी, मंजुला बहन जी द्वारा जो प्रश्नोत्तरी उनके द्वारा की गई, और उन्होंने हमको हमारे श्री राज जी की श्री दीतक साहब, हमारी दीतक साहब जो हमको पुनर् हमारे हृदयंगम कराई है, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हम अपने सीनियर जी एल तनेजा जी का भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। उन्होंने वीडियो के द्वारा, हम गए जरूर उस मंदिर में लेकिन उस वक्त हम नहीं देख पाए, तो उन्होंने जो उनकी पिछोड़ी है और उनकी जो टोपी है, और वो आज 400 साल लगभग हो गए, विक्रम इतना लंबा पीरियड हो गया है, लेकिन वो उन्होंने कितनी मतलब सुरक्षित तरीके से रख रखा है, और उसके दर्शन हम लोगों को आज जूम पर मिले हैं। तो मैं हृदय से उनका आभार और उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ एक दरवाजा भी दिखाया जो कि चांदी का था किसी सुंदर साथ के द्वारा, और सोने का कड़ा अभी भी उसमें लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। और जो ये शीतल जी की बाल पुत्र द्वारा जो युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन वाणी से किया गया, उस बच्चे को हम आशीर्वाद बतौर अपनी यही प्रार्थना करेंगे, राजी महाराज उनको अपनी मेहर सदैव बरसाते रहें। जयंती भाई एवं स्तुति जी के द्वारा, युगल की जोड़ी के द्वारा जो अर्जी गायन किया गया, वो उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम, दर्द भरी अर्जी उन्होंने हमारी तरफ से की। और मैं लास्ट में अपनी बहन जो सोनिया जी के धाम हृदय में बैठे उस युगल स्वरूप को नतमस्तक होकर के मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि हमें सुबह उठ करके नित्य कृति जो है, मैं तो कहता हूँ साल भर, मैं तो कहता हूँ टिल डेथ तक ये चलती रहे, अभी तक ऐसा ही चलती रहे, क्योंकि सुबह उठने पर ये हमें अभी तक सुनने को मिल रही है, और श्री राजीव महाराज के ही शब्द हमको सुनने मिल रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और राजीव महाराज आपके हृदय से हमको दे रहे हैं विध विध की करत पुकार, वो हम आपके द्वारा ही पुकार हो रही है, हम सबको एकत्र किया जा रहा है, हमको जगाया जा रहा है। मैं धाम धूम के हृदय में आपके हृदय में बैठे धामधनी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम कर, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल मैं सीमा दीदी से बात कर रही थी, तो मैं सीमा दीदी को वही बोल रही थी, सुंदर साथ प्रणाम करते हैं ना तो मेरा सिर झुक जाता है, पता है क्यों? क्योंकि ना पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैं भी श्रोता ही होती हूँ सुंदर साथ जी, आपके साथ मैं भी सुननी रही होती हूँ, मेरी आत्म भी सुननी रही होती है। बोलने वाले तो धामधनी होते हैं, वो खुद तो हट जाते हैं जब प्रणाम करना होता है, तो प्रणाम वो सारे स्वीकार, इंद्रावती जी कहती है ना जैसे प्रणाम सारे मेरे साथ लगा दे हैं, तो वो सारी शोभा आप धामधनी को दीजिए, क्योंकि यहाँ इंद्रावती नहीं है, इंद्रावती कोई और ही सखी है। तो मैं भी आपके साथ श्रोता ही हूँ सुंदर साहब जी, मुझे भी कुछ नहीं आता, मूल स्वरूप आवेश स्वरूप मेरे सतगुरु को नमन है जिन्होंने ये टीका लिखे है ना,
उनके चरणों में बारंबार नमन, एक शब्द भी उनके बिना हम नहीं बोल सकते। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। दीदी सबसे पहले तो सीमा दीदी के चरणों में प्रणाम, बहुत इतना अच्छा किया उन्होंने आज, एक्टिंग उनकी इतनी अच्छी लगी कि बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। दूसरा उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने राज्य का स्वरूप इतना अच्छा बोला, दिल को छू गया बिल्कुल, छोटे से बच्चे ने, और कितनी अच्छा तरह बोल रहा था वो। और तीसरा मैं तो मुकेश भैया के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने कम टाइम में अपनी पुत्र वधु को आज इतनी पहचान करा दी कि वो यहाँ तक पहुंच गई इतने कम टाइम में। मैं तो उनसे सीखना चाहूंगी कि कैसे सिखाया उन्होंने कैसे पहचान कराई इतनी। और राज्य की लीला देखो, आपको अर्जी बुलवानी थी आज आपसे, तो उनका नेट चला गया और आपकी अर्जी, अब तक आपसे बीत तक सुनते आए हैं, चर्च नहीं सुनी थी, आज आपसे अर्जी बुलवानी थी, इसलिए सभी राज्य की लीला है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम जी। सबके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। मैं ना रतनपुरी आश्रम में अर्जी ही बोला करती थी बस, मुझे सरकार श्री ने यही सेवा दी हुई थी कि अर्जी बोलनी है बस लास्ट में, तो मैंने कभी वहां पे कुछ, बहुत ही कम ऐसा समय होगा कि कभी कुछ गायन का वो मिला हो, दो तीन बार ऐसा होगा, पर अर्जी इतनी बार गाई हुई है तो मुझे वो क्षण याद आ जाए। बट हैट्स ऑफ टू स्तुति सुंदर सा जी, शायद बच्ची ड्राइविंग कर रही थी उस समय पे और फिर भी सेवा के लिए हाजिर हो गई। इंटरनेट ना आना आना ये तो सब राज्य के उसके हाथ में है, यहाँ पर होता रहता है, पर हमें उसको शत शत नमन करना चाहिए। ड्राइविंग करते हुए भी उन्होंने अटेम्प्ट किया कि मैं अपनी सेवा में हाजिर रहूं, तो मैंने तो केवल उनके शब्दों की पूर्ति की है, असल सेवा तो हमारी स्तुति की है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम, प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया दीदी। आज भी वो आनंद की लीला जब शुरू हुई प्रारंभ में, राकेश जी और तृप्ता जी ने जो इतना सुंदर वाणी गायन किया, और वो लाइन इतनी प्यारी है, इंद्रावती जी कह रही हैं, धनी जी करनी तुम्हारी और मेरी, मैंने जब तोल के देखी तो इतना बड़ा अंतर मिला, इतनी तफावत मिली, जैसे सत असत, आप तो सत्य का व्यवहार, सत्य की लीला, और मैं यहाँ इस कालमाया में कैसी कर रही हूँ, जैसे असत। वो कह रही है जिनके हृदय में राज्य स्वरूप साक्षात विराजमान है पांचों शक्ति से, तो सुंदर साथ जी हमारी फिर करनी कैसी होगी, असत से भी नीचे। लेकिन ये हमें, वो अपने लिए नहीं कह रही है, ये हमें प्रबोध करने के लिए इंद्रावती जी ने कहा है। इतनी सुंदर वाणी गायन, और मैं जो प्रेरक है पहले उनको प्रणाम करना चाहूंगा, जैसे हमारी शीतल बहन, उन्होंने अपने बच्चे को इतनी ऐसी प्रेरणा दी, छोटा सा बालक, और बाल सुंदर साथ के चरण में कुटानकुट प्रणाम, बहुत सुंदर उन्होंने स्वरूप बोला। ऐसे ही प्रेरक हैं हमारे मुकेश भाई जी। एक मैंने कहीं पढ़ा था चर्चा में कि अगर हम किसी पत्थर को चोट मारते हैं ना, कि अगर 10 चोट मारी तो 10वीं चोट पे वो टूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10वीं चोट में बल था, ये 9 चोट भी उसमें सहायक थी। तो जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे प्रबोध करते रहे तो राज्य की कृपा हुई, और जो आयुषी बिटिया अब सब सुंदर साथ में शामिल हैं, हृदय से शामिल हैं, मुकेश जी और आयुषी जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज की ब्रज युद्ध टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन, और प्रवीण भाई ने जो आरंभ किया, और मोर की जो पिकॉक की वो है ना, मधुर पीयू पीयू, वो तो बहुत ही प्यारी लगती है। सारी टीम का इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन, और सीमा बहन के बारे में क्या कहूं, जैसे कहते हैं ना कि राज्य में तो एक गुण है और सुंदर साथ में बे, तो इनमें तो अतिरिक्त गुण राज्य ने ऐसा दिया कि ना केवल अभिनय का, बल्कि जो डायलॉग डिलीवरी का भी, तो इनके सारी भाव भंगिमाएं सब सुंदर साथ को सुख प्रदान करने वाली, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, प्रेम प्रणाम जी। और स्तुति का प्रयास सराहनीय है, वो दूसरी बात है, इंटरनेट चला गया, इतनी बिजी होते हुए वो सेवा करती हैं, गुप्त सेवा भी, राइटिंग की, टाइपिंग की, उस तरह की भी, बहुत सुंदर। और जो जयंती भाई जी ने अर्जी बोली,
तो मुझे अष्टपहर में जो जयंती काका याद आ गए, जो पन्ना जी में बंगला साहब मंदिर में इतनी सेवा करते थे जयंती काका, कि चाहे वो साहित्य का भंडारण हो, चाहे माल खाने का हो, जो भी वस्तु हो, कि जयंत काका को बुलवा लीजिए। ऐसे हमारे जयंती भाई की बहुत सुंदर अर्जी। और मैं कहता हूँ हमारे राजी जो ना सुपर मास्टर प्लानर हैं। कब से मन में भाव था कि सोनिया दीदी इतना अच्छा गाती हैं मधुर स्वर में, ये अर्जी नहीं बोल रही है, अपना नाम तो स्वयं कभी देंगी नहीं, ना वाणी गायन में दिया है ना अर्जी गायन में दिया है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज आप अर्जी बोलो, आप संभालो, वाणी गायन भी वही कराएंगे। लेकिन एक मेरी थोड़ी सी प्रार्थना कि कहीं हमारा अर्जी गायन जैसे ना सदा एक ही भाव में रहते हुए वो हमें अभ्यस्त हो जाता है, जैसे हम परम धाम में सदा सुख में रहती हुई तो राज्य का जो उनकी पातशाही भूल गई थी, ऐसे ही जो हमारे नियमित जैसे अर्जी रोज है उसका जो शब्दों का महत्व कहीं हम वो ना भूल जाएं। तो मैं सोनिया दीदी से ये प्रार्थना करूंगा इन शब्दों का भी कभी व्याख्या करके बताएं, तो ये अर्जी का फिर जब भी हम बोलेंगे तो पूरा भाव हमारे हृदय में उड़ेगा। तो शब्द रोजाना प्रयोग होने से ये कहीं ऐसे ही ना हो जाए कि हम हल्के ना ले रहे हों, तो उनका भाव भी कभी समय मिले तो दोहराना। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, बहुत आनंद आया। प्रेम प्रणाम जी सोनिया दीदी, आशीष जी प्रेम प्रणाम। और तनेजा साहब ने तो वो सुख दिया कि सबको बहुत आनंद आया, और वो सुख साक्षात लेने का भी कुछ समय बाद मैं भी दर्शन करूंगा जाके। और तनेजा जी का बहुत बहुत शुक्राना, उनके चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी भैया, आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, हम सब सुंदर साथ पर प्रेम की इतनी बौछार करने के लिए अति सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का एक संदेश मैं जरूर देना चाहूंगी, वो ये है कि जल तो बहुत है हमारे पास, जल इतना दे दिया कि हमारे बैकयार्ड में नहीं हमारे अंदर ही झरने बहा दिए, पर प्यास लगता है नहीं है अभी, इतने पूर बह गए पर लगता है अंदर प्यास, सामने जितना मर्जी जल पड़ा हो सुंदर साहब जी, प्यास ही नहीं लगी हुई तो क्या करेगा ना वो जल। तो राजी तो रोज भर भर के दे रहे हैं, तो कहीं चेक कर लें कि खारे पानी की प्यास ही तो नहीं लग रही, मीठे की लग ही नहीं रही अंदर। अगर प्यास हो, प्यास होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी इसके बिना, मैं रह ही नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी इसके बिना, अगर मुझे आज पानी नहीं मिला तो मेरी सांस रुक रही है। तो इस प्रकार की प्यास जब तक अंदर नहीं आती ना, जल का चाहे झरना बहता रहे कोई हमारे काम नहीं आएगा सुंदर साहब जी। इसलिए प्यास इसकी लगानी है, खारा पानी नहीं पिएंगे उससे प्यास नहीं बुझाएंगे, तभी तो अंदर प्यास लगेगी। अगर उसी से बुझाते रहेंगे, उसी की आदत पड़ गई इस शरीर को, इस जीव को, तो फिर वो मीठे पानी की ओर कैसे जाएगा सुंदर साहब जी। इसलिए जरूर ध्यान दीजिए, माया में कभी पूर्ति नहीं होगी उससे, आज से उससे लगता है बुझ गई है पर बुझी नहीं होती, तो उसका वो करना बंद कर दीजिए। अब मीठा जो दे रहे हैं ना राजी, उसकी व्याकुलता हमारे अंदर हो बस। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।